तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है लिन को यहाँ पर स्टार क्रूज के अंदर जाता हुआ, जिसके बाद हमें यहाँ पर शिप के अंदर कुछ सुंदरियों के सुंदर शरीर को दिखाया जाता है जो कि नृत्य कर रही होते हैं, लेकिन इसे नृत्य तो नहीं बल्कि यहाँ पर पानी के साथ खेलना कह सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं उस एंकर को जो कि यहाँ पर लिन को अपने पास बुलाने लगती है और वो यहाँ पर लिन से पूछती है कि आखिरकार उसके लाइव स्ट्रीम रूम का क्या हुआ, जिस पर लिन कहता है कि वो सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है। और ऐसा कहने के साथ ही वो यहाँ पर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर काऊ बताता है लिन से कि ब्रदर अभी भी यहाँ पर बहुत सारा काम करना बाकी है और अगर आप यहाँ पर पुल की पार्टी के अंदर इस तरीके से खेलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उतना खास भी मजा नहीं आने वाला। जिस बात को सुनकर यहाँ पर लिन कहता है कि आखिरकार क्या चल रहा है, वैसे क्या यहाँ पर कोई दूसरा शो भी तुमने अरेंज कर रखा है। जिस पर गाओ बताता है कि ये हमारा और यहाँ पर मिस्टर मो के बीच का हमेशा का है, जहाँ पर हम लोग अपने इन्फ्लुएंस को लेकर यहाँ पर एक दूसरे से कॉम्पिटिट करते हैं और यह चीज देखते हैं कि आखिरकार कौन यहाँ पर लोगों के बीच में ज्यादा पॉपुलर है। जिस पर लिन कहता है कि तुम सीधा क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें यहाँ पर दिखावा करना है, लेकिन पिछले साल यहाँ पर दिखावा करने में कौन जीता था। जिस पर गाओ बताता है कि पिछले साल हान यहाँ पर मतलब लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा था, जो कि वो इस पार्टी के अंदर आ ही नहीं पाया और यहाँ पर झाउमो ने यहाँ पर काफी सारी ट्रबल खड़ी कर दी थी जो कि मैं यहाँ पर पिछले साल बहुत ज्यादा ही मुश्किल के साथ समेट पाया हूँ। जिस बात को सुनकर यहाँ पर लिन हान से पूछता है कि आखिरकार आज का हमारा प्रोग्राम क्या होने वाला है। जिस बात को सुनकर हान यहाँ पर एक क्रीपी से स्माइल करते हुए कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ के नाच गाने के बाद अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत नाच गाना होगा और ऑक्शन हाउस के बगल में ही रिंग है जहाँ पर कल आपने यहाँ पर झाउमो के साथ जो फाइट की थी उसका फैसला यहाँ पर आपके और चैंग की फाइट के साथ ही यहाँ पर आज लिया जाएगा। जिस चीज को सुनकर लिन कहता है कि वाह ये तो इतना ज्यादा भी मजेदार नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, चलो कुछ और मजेदार करते हैं। जिस बात पर गाओ कहता है कि एक गिलास वाइन और कुछ मजेदार चीजें ये तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं लिन यहाँ पर चुटकी बजाते हुए कहता है कि यहाँ पर मेरे पास एक आइडिया है, जिसके बाद लिन यहाँ पर मिस्टर माँ के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर मैं आपको पैसे दे दूंगा लेकिन कुछ आप यहाँ पर स्पोर्ट कार को भिजवा सकते हैं, वो भी अपनी प्लेन की मदद से। जिसके बाद लिन यहाँ पर उन्हें और भी इंस्ट्रक्शन देता है जिसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है लिन को जो कि यहाँ पर सुंदरियों को देखते हुए मस्त इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं मिस्टर मोको जो कि यहाँ पर आते हुए लिन से कहते हैं कि लिन आखिरकार यहाँ पर तुम्हारी जो ये पुल पार्टी है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि ये जो तुम्हारी पुल पार्टी है ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बोरिंग है, एक बार तुम यहाँ पर मेरे यहाँ ना मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक रियल पार्टी क्या होती है। इस बात को सुनकर लिन यहाँ पर घड़ी को देखते हुए कहता है कि क्यों नहीं, मैंने यहाँ पर कुछ प्रिपेयर कर रखा है, तुम लोग यहाँ पर बस 10 मिनट के लिए रुको। जिस बात को सुनकर यहाँ पर मो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर लड़कियों की बात कर रहे हो तो हमारी जगह पर वो बहुत सारी हैं भले ही वो यहाँ पर कोई सुपरस्टार ही क्यों ना हो। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि नहीं ये सारे शो नहीं, मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा शो है, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा वेट कर इसे देख लेना चाहिए। जिस बात पर मो कहता है कि मैं तुम्हें अप्रिसिएट करता हूँ और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर ये यहाँ पर बेहतर नहीं होगा फिर भी मैं यहाँ पर पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ, लेकिन दिल करे तो तुम यहाँ पर हमारे यहाँ भी आ जाना, मैं तुम्हें एक रियल पार्टी कैसी होती है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और वैसे हाँ किसी लड़की की तरीके शर्मा मत जाना, तुम्हारा वेलकम वहाँ पर हमेशा रहेगा, ऐसा कहते हुए झाऊ वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। इस बात को सुनकर हान कहता है कि वो यहाँ पर आकर कुछ दिखाना चाहते हैं, देखते हैं कि वो यहाँ पर कब तक ये पेटेंट कर पाते हैं। लेकिन हम देखते हैं गाओ को जो कि यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि मिस्टर लिन आप यहाँ पर इतने शांत खड़े हैं इसके बावजूद भी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नाव के अंदर इतने लोग नहीं है जितने कि लोग यहाँ पर उनके पक्ष में हैं। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, लोगों का क्या है वो यहाँ पर आराम से अपनी साइड को चेंज कर लेते हैं और वैसे भी मैंने यहाँ पर एक बेहतर से गिफ्ट को प्रिपेयर कर रखा है उनके लिए, तो जस्ट वेट एंड वॉच। इसी के साथ हम देखते हैं मिस्टर मोको जो कि यहाँ पर कह रहे होते हैं चैंग से कि वैसे यहाँ पर लिन कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा था, लगता है उसके पास यहाँ पर कोई बैकअप प्लान है। इस पर चैंग कहता है कि हाँ शायद वो कुछ यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा होगा लेकिन हमें इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर, और वैसे भी ऐसा थोड़ी ना होने वाला है कि यहाँ पर उसके लिए बड़े बड़े जहाज आएंगे जिससे यहाँ पर उसका सामान डिलीवर होगा, और वैसे भी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, क्या ये कोई मजाक है। इस पर हमें यहाँ पर ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो कि नीचे कुछ कार को लेकर आ रहे होते हैं स्पोर्ट कार को। इस पर मिस्टर मो यहाँ पर चैंग से कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर पहले किसी मजाक की बात कर रहे थे, मुझे तो लगता है कि वो यहाँ पर सच हो गया। इसी के साथ उनके ऊपर यहाँ पर बिजलियां गिर जाती है जहाँ पर वो लोग ऊपर देखते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये क्या मजाक चल रहा है कि स्पोर्ट कार यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा कैरी की जा रही है। इसी के साथ हमें यहाँ पर वहाँ की सुंदरियों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उन सुंदर कारों की तस्वीरें ले रही होती हैं, जिसके बाद लिन यहाँ पर हान से कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो, जाओ उनकी मदद करो यहाँ पर कार को नीचे ले आने में। इस पर हान यहाँ पर लिन के पास आते हुए कहता है कि क्या मदद, चलो यहाँ पर कार के अंदर चलकर ही यहाँ पर उसे नीचे ले आते हैं। और जिसके थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर कुछ महंगी महंगी कारों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ी होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन ऊंचाई पर चढ़ जाता है और वो यहाँ पर माइक से सभी से कहने लगता है कि देवियों और सज्जनों अभी तक आपने जो देखा वो तो यहाँ पर एक शो था, अब इसके बाद आप यहाँ पर देखने वाले हैं एक कमाल की बारिश को जिसे कि आपने कभी नहीं देखा होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्लेन से कुछ बॉल्स गिरती हैं जो कि यहाँ पर फटकर उसके अंदर से काफी सारे पैसे गिराने लगती हैं। और वैसे मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पर लिन सज्जन किसे कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो बस देवियां ही देवियां हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर झाउमो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर मुझे लगा नहीं था कि वो यहाँ पर इस तरीके की चीज भी करने वाला, जिस पर चैंग कहता है कि लालत है हम फिर से भी यहाँ पर हार गए। लेकिन इस पर मो कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम चैंग यहाँ पर उसे फाइटिंग के अंदर हरा देते हो तो हमारी इज्जत तोड़कर हमारे पास चली जाएगी। जिस बात पर चैंग कहता है कि तुम बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करो। लेकिन तभी हम देखते हैं गाऊ और हान को जो कि यहाँ पर मिस्टर मो और चैंग से कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर आओ ना, साथ मिलकर यहाँ पर थोड़ा फन करते हैं। इस पर हम देखते हैं उन दोनों को जो कि यहाँ पर मुंह छिपा कर जाते हुए कहते हैं कि फन क्या मजाक है, पता नहीं ये लोग यहाँ पर फन के चक्कर में
क्या कर दें। इसी के साथ हम देखते हैं गाओ को, जो कि यहाँ पर उनका मजाक बनाते हुए कहता है कि ब्रदर लिन आपने यहाँ पर एकदम कमाल कर दिया, पता नहीं कोई और भी ऐसा कर सकता है या नहीं। इस पर लिन भी यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि पता नहीं, लेकिन यहाँ पर किसी ने ऑफर तो दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं लिन के पास यहाँ पर मिर्चे की कॉल आती है, जिसे कि लिन यहाँ पर रिसीव करते हुए कहता है कि क्या हुआ। इस पर मिर्चे कहती है कि यहाँ पर कुछ हुआ है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग सिंह ग्रुप के अंदर यहाँ पर रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट, वो भी वाई फैमिली की तरफ से यहाँ पर 280 मिलियन का। इस पर लिन कहता है कि इन्वेस्टमेंट के मैटर से यहाँ पर तुम्हें कुछ ज्यादा ही चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बस नॉर्मली वैसा ही करो जैसा कि प्रोसेस तुम करती हो, और बाकी की चीज के लिए यहाँ पर तियान यांग, जो कि यहाँ पर अपनी तरफ से एबल है इन चीजों को यहाँ पर हैंडल करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं उस एंकर को, जो कि यहाँ पर लिन से कहती है कि मिस्टर लिन यहाँ पर तो एकदम कमाल हो गया, मैं तो यहाँ पर इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई हूँ कि मेरी पॉपुलरिटी यहाँ पर 9.6 मिलियन हो गई है और मैंने यहाँ पर 10 मिलियन की अचीवमेंट रिसीव की है। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर लिन यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि क्या बात है, ये लड़की तो यहाँ पर दिन के ही 10 मिलियन कमा रही है। जिस पर वो एंकर कहती है कि लाइव रूम वाले कह रहे थे कि वो लोग यहाँ पर इस पूल पार्टी को देखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो कैमरा था जहाज वाला उसे यहाँ पर लाइव रूम से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर 15 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग एकदम बढ़िया वाला डांस कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं उस एंकर को, जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि लोगों की यहाँ पर ड्रेस भी बहुत ज्यादा ही फॉर्मल है, मैं यहाँ पर बेट कर सकती हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही अच्छे प्लेस से आते होंगे। जिस पर लिन कहता है कि हाँ मेरी भी नजर यही कहीं है। जिस पर गाओ कहता है कि मिस्टर लिन आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो चैंग है वो वैसे भी लड़कियों के साथ कुछ ज्यादा क्लोज नहीं है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर चैंग की तरफ देखने लगते हैं, जो कि यहाँ पर अकेला बैठा होता है, और वो यहाँ पर चैंग को देखते हुए कह रहे होते हैं कि वो यहाँ पर लगता है बच्चों वाली पिक्चरों को देखना कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर मो की नजर किसी की तरफ पड़ती है, और हम देखते हैं कि ये यहाँ पर वाई फैमिली की वही लड़की होती है जो कि यहाँ पर लिन को अपनी बॉडी ऑफर कर रही थी। जिस पर हमें मिस्टर मो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कह रहे होते हैं कि मिस वाई यहाँ पर मैं आपको काफी देर से देख रहा था, क्या आप यहाँ पर मेरे साथ डांस करना चाहेंगी। जिस पर हम देखते हैं वाई फैमिली की उस लड़की को, जो कि यहाँ पर इसके लिए उन्हें वेलकम कहती है। जिस पर जाओ मो भी यहाँ पर अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि चलिए इसे शुरू करते हैं। जिस पर वो बगल में लिन की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैं लिन के साथ डांस कर लूँ उसके बाद मैं आती हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर दौड़कर लिन के पास जाती है और उसे इन्वाइट करती है यहाँ पर खुद के साथ डांस करने के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर इन दोनों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर आपस में हंसते हुए कह रहे होते हैं कि जाओ मो तो अपनी इस इंसल्ट को यहाँ पर कभी भी नहीं भूल पाएगा, और अगर वो गलती से भूल भी जाता है तो हम यहाँ पर किस लिए बैठे हैं। और तभी वो एंकर यहाँ पर लिन को आगे की तरफ पुश करती है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन को, जो कि यहाँ पर हैरानी के साथ अचानक से आगे की तरफ जाने लगता है, और हम देखते हैं कि वो आगे जाकर गिर जाता है, जिस वजह से वो यहाँ पर मिस वाई के सामने घुटने पर आ जाता है। और डांस करने के लिए भी यहाँ पर लड़की के सामने घुटने पर आना होता है, जो कि शायद उनकी कोई परंपरा होती है घुटने पर आकर यहाँ पर डांस करने के लिए हाथ मांगने वाली। लेकिन मिस वाई तो यहाँ पर उल्टा हाथ ही पकड़ लेती है और वह कहती है कि आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक मधुर से संगीत को दिखाया जाता है, ना कि सुनाया जाता है। जिसके बाद मिस वाई कहने लगती है कि अभी तक मैंने यहाँ पर कुछ खाया भी नहीं है और मैं तो बस यहाँ पर सिंपली आपके साथ डांस करने के लिए आई हूँ। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि मेरे दिमाग के अंदर यहाँ पर इस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा। इस पर लिन कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरीके से आगे करना बंद करो, क्योंकि जहाँ तक मेरी रिसर्च की बात है यहाँ पर मैंने कह दिया और मेरा दिमाग बदलने नहीं वाला। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर वो यहाँ पर घबराते हुए कहती है कि मिस्टर लिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी टायर्ड हो चुकी हूँ, तो क्या हम लोग यहाँ पर डांस करना रोक सकते हैं। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर लिन यहाँ पर उसकी कमर को और ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है। जिसके बाद लिन यहाँ पर उससे कहता है कि अभी तो यहाँ पर मुझे मजा आना स्टार्ट हुआ है, आखिरकार तुम मुझे जाना मतलब तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो। जिसके बाद लिन यहाँ पर जबरदस्ती ही उसके साथ यहाँ पर डांस करने लगता है। जिसके बाद उनका डांस खत्म हो जाता है, तो मिस वाई यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि मिस्टर लिन यहाँ पर आपके साथ डांस करना मेरे लिए बहुत ज्यादा ही हॉनर की बात थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जल्दी दोबारा आपके साथ डांस कर पाऊंगी। जिस पर लिन कहता है कि डोंट वरी, दोबारा की क्या जरूरत है, हम लोग यहाँ पर अभी दोबारा कर लेते हैं ना इसे। जिस चीज को सुनकर वो यहाँ पर हैरान होते हुए कहती है कि क्या मतलब है आपका। जिस बात को सुनकर लिन यहाँ पर वापस से उसके साथ डांस करते हुए कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर डांस की ही बात कर रहा था। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर गहरी से सांस लेते हुए कहती है कि यार बाप रे मेरे पैर। लेकिन तभी लिन यहाँ पर उसे पकड़ते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि अभी तक तुम यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई हो, तो चलो यहाँ पर इसे दोबारा करते हैं। तो वो एकदम हैरान हो जाती है, और हम देखते हैं कि ये जगह यहाँ पर उसके लिए डांस छोड़कर यहाँ पर एकदम इंडियन आइडल का शो बन जाता है, जहाँ पर लिन एक के बाद एक यहाँ पर उसके साथ डांस करता रहता है। और इतना सारा डांस यहाँ पर करते करते उसके सर में यहाँ पर दर्द और कमर में मोच ले आ देता है, जिसके बाद वो यहाँ पर अपने सर को पकड़ते हुए कहती है कि मिस्टर लिन प्लीज रुक जाइए, अगर आपने एक बार और ये किया ना तो कसम से मैं यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाली। लेकिन तभी युंगजी यहाँ पर झाऊ मो से कहता है कि लगता है कि सिस्टर यहाँ पर एबल नहीं है खुद की मदद करने के लिए यहाँ पर इस पर्सन से, तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें आगे जाकर हीरो वाला रोल निभाना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं झाऊ मो को, जो कि यहाँ पर लिन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि वाओ लिन तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रेट हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर वाई फैमिली की लड़की के साथ यहाँ पर इस तरीके का भी बिहेव कर सकते हो और उसके यहाँ पर इतनी ज्यादा बुरी तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। जिस पर लिन यहाँ पर उनके ऊपर एक पोएम की लाइन बोलता है, ये बात कहते हुए कि यहाँ पर उसके पैरों में अभी दर्द हो रहा है, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर किसी कुत्ते की तरीके यहाँ पर चिपक आए हो, जो कि यहाँ पर हर मौसम में अलग अलग तरीके से जीना पसंद करते हैं। और एक तरीके से लिन यहाँ पर उनको कह रहा होता है कि वो यहाँ पर टाइम देख कर बस अपने बिहेवियर को बदल लेते हैं। जिस पर झाऊ मो कहता है कि तुम यहाँ पर थोड़ा शांत रहना चाहिए, और वैसे भी तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा आगे नहीं जा रहे, वैसे भी यहाँ पर हमारा इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा भी कम नहीं है कि तुम यहाँ पर हिम्मत कर सको हमारे सामने यहाँ पर इस तरीके की चीज को करने की। और वैसे भी जब मैं यहाँ पर तुम्हारा एंड करूंगा, तब मैं देखूंगा कि आखिरकार क्या तुम तब भी इस तरीके से एरोगेंट रह पाते हो या नहीं। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अपने छोटे से एटीट्यूड के साथ यहाँ पर तुम मुझे डरा सकते हो, और वैसे भी अगर तुम यहाँ
यहाँ पर सोच रहे हो नीलामी के अंदर यहाँ पर कुछ भी करने का, तो मेरा वहाँ पर उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो तुम सारी चीजों को खरीद सकते हो। जिस बात को सुनकर जाओमो कहता है कि अभी के लिए तो यहाँ पर नीलामी शुरू भी नहीं हुई है, तो तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हो कि उसके अंदर यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। और अब ये मत कहते ना कि पैसे खत्म होने का ये तुम बहाना मार रहे थे। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि ये पूरी नाव ही मैंने खरीद ली है, तो क्या मुझे पता नहीं होगा कि यहाँ पर नीलामी के अंदर क्या होने वाला है। जिस बात को सुनकर यहाँ पर जाओमो घबराते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम यहाँ पर जरूर मजाक कर रहे होगे। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि मुझे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर क्या सोचते हो और तुम्हें यहाँ पर क्या कहना है, क्योंकि रियलिटी को बदला नहीं जा सकता, और इसके अलावा तुम यहाँ पर अपने ही बिजनेस के ऊपर ध्यान दो तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वैसे भी इसे मैंने यहाँ पर एक बार अपने हाथों से क्रश कर दिया है, तो इतना यहाँ पर तुम जैसे यंग मैन के लिए इनफ होगा। जिस बात को सुनकर यहाँ पर चैंग कहता है कि लिन यहाँ पर तुम कुछ ज्यादा ही फनी बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर डाउन स्टार फाइटिंग एरिना के अंदर ये देख लेंगे कि कौन यहाँ पर कितना ज्यादा ही केपेबल है। और वैसे भी ये फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर ये जहाज आपका है, लेकिन यहाँ पर मैं हारने वाले के साथ नहीं रहने वाला, तो अगर आप यहाँ पर हारते हैं या जो भी इसमें हारता है उसे यहाँ पर इस जहाज को छोड़कर जाना होगा, तो क्या तुम यहाँ पर इसके बावजूद भी लड़ना चाहोगे। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि क्यों नहीं, इसे जानकर तो मेरा दिल और ज्यादा लड़ने का कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं जाओमो को, जो कि यहाँ पर कह रहा होता है चैंग से कि ये जहाज यहाँ पर पानी के बीचों बीच में है, तो यहाँ से जाया कैसे जाएगा। इस बात पर चैंग हंसते हुए कहता है कि वो तो यहाँ पर लिन की प्रॉब्लम है कि वो यहाँ पर कैसे जाएगा। जिसके बाद चैंग यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंट को जाहिर करते हुए कहता है कि वो यहाँ पर अभी इंतजार नहीं कर सकता लिन को यहाँ पर उन चीजों को इस्तेमाल करता हुआ देखने के लिए, जो चीजें यहाँ पर उसे बोर्ड से बाहर ले जाएंगी। तो फिर हमें भी यहाँ पर एक टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक रेफरी को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर अनाउंस कर रहा था लिन और यहाँ पर चैंग के बीच के मुकाबले के बारे में। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लिन और चैंग दोनों को यहाँ पर स्टेज पर एक साथ बुलाता है, और हम देखते हैं कि स्टेज पर आने के साथ यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर चैंग के नारे लगाने लगते हैं। जिसके बाद चैंग यहाँ पर लिन से कहता है कि यहाँ पर तुम्हें इस मैच के रूल के बारे में तो पता ही होगा, वैसे भी ये यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ पर बस तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत फन करना चाहता हूँ। जिस बात का रिप्लाई करते हुए लिन कहता है कि फिर तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं होने वाला। जिसके बाद चैंग यहाँ पर कुछ और कह पाता, उससे पहले ही हम देखते हैं लिन के पंच को, जो कि यहाँ पर जीता कर चैंग के मुंह पर लगा होता है, और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बस एक ही पंच की वजह से काफी ज्यादा ही दूर गया होता है, और वो किसी तरीके से खुद को संभालता है। जहाँ पर जो ऑडियंस यहाँ पर चैंग को कुछ देर पहले चेयर्स कर रही थी, वो भी यहाँ पर कुछ देर के लिए शांत पड़ जाती है, और यहाँ पर एक पर्सन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, चैंग यहाँ पर एक एक्सपर्ट है, और यहाँ पर एक एक्सपर्ट के सीधा ही फेस के ऊपर पंच मारना ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ी बात होती है, आखिरकार उसने यहाँ पर ऐसा कर कैसे लिया। जिसके बाद चैंग यहाँ पर लिन से कहता है कि तुम यहाँ पर वंडर थे, इसका ये मतलब नहीं था कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, इसका ये मतलब था कि तुम्हारे पास भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन देखते हैं कि तुम कितने ज्यादा केपेबल हो आज के लिए। और ऐसा कहने के साथ ही यहाँ पर चैंग लिन के ऊपर सीधा ही डायरेक्ट अटैक कर देता है, जिस पर हमें मिस्टर मो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इसे देखते हुए कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि ब्रदर चैंग अभी यहाँ पर सीरियस हुए हैं, अब यहाँ पर असली शो का मजा आएगा। जिसके बाद चैंग यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ लिन के ऊपर एक पंच करता है, तो हमें दिखाया जाता है कि लिन यहाँ पर अपनी किक का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेता है, और लिन की किक की वजह से यहाँ पर चैंग को थोड़ा बहुत डैमेज भी हुआ था, जहाँ पर वो कह रहा था कि आखिरकार ये पर्सन इतना तेज कैसे हो सकता है। लेकिन तभी लिन यहाँ पर अपनी और ताकत का इस्तेमाल करते हुए चैंग को यहाँ पर अरीना के किनारे फेंक देता है, जहाँ पर चैंग गिरता तो है, लेकिन मिस्टर मो यहाँ पर उसके हौसले को बढ़ाने लगते हैं कि वो यहाँ पर अभी भी लिन से जीत सकता है। जिस पर हम देखते हैं चैंग को, जो कि यहाँ पर खड़ा होते हुए कहता है कि हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सीरियस होकर खेलने वाला हूँ, भले ये यहाँ पर स्ट्रांग हो लेकिन इसके पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं यहाँ पर अब एक अवसर ढूंढूंगा और इसे हराऊंगा। जिसके बाद वो तेजी से लिन की तरफ जाते हुए कहता है कि वाह ये थोड़ा ट्रबलसम रहा है, लेकिन तुम जिस तरीके से लोगों से फाइट करते हो, अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें जल्दी हराना पड़ेगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर एक जंप करता है और लिन के फेस पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं उसका ये जंप यहाँ पर उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है, जहाँ पर लिन के पंच की वजह से उसकी यहाँ पर जंप की हाइट और ज्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ पर एक अपर कट के साथ यहाँ पर उतनी ऊंचाई से जमीन पर सीधा सर के बल गिरना यहाँ पर ही बहुत ज्यादा ही पावरफुल मूव था, जिसकी वजह से चैंग यहाँ पर हार जाता है, और रेफरी यहाँ पर लिन को विनर बना देता है। जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर मो को, जो कि यहाँ पर अभी भी चैंग को रोकते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, वैसे भी तुम्हारे शरीर की कंडीशन कैसी है, और वैसे भी क्या तुम्हें यहाँ पर सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। जिस बात पर चैंग कहता है कि हाँ थोड़ा तो दर्द है, लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो। लेकिन हम देखते हैं लिन को, जो कि यहाँ पर बाकी खड़े हुए बगल में लोगों से कहता है एक बोर्ड को प्रिपेयर करने के लिए, और फिर वो यहाँ पर मिस्टर मो और चैंग से कहता है कि क्या तुम्हें याद है तुमने क्या शर्त लगाई थी। जिस पर चैंग और मिस्टर मो को गुस्सा आने लगता है, लेकिन जैसा कि ये यहाँ पर एक फेयर मैच था, इस वजह से उन्हें भी वहां से एकदम शांति से जाना पड़ता है, और हम देखते हैं उस एंकर को, जो कि यहाँ पर इस माहौल में भी अपना पूरा का पूरा पैसा छाप रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं गाओ को, जो कि यहाँ पर आते हुए लिन से कहता है कि वाह मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा कर पाओगे, लेकिन क्या तुमने पहले ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रखा था, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंट यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल के पर्सन के तरीके था। और हम देखते हैं कि जिस बात को सुनकर यहाँ पर लिन भी एक स्माइल करता है, और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन की फोन पर एक किसी का फोन कॉल आ रहा होता है, और हम देखते हैं कि ये कॉल यहाँ पर युवान की होती है, ये यहाँ पर रिपोर्टर वाली नहीं बल्कि लिन की सेक्रेटरी युवान है, जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि मिस्टर लिन यहाँ पर कुछ हुआ है फैक्ट्री अक्वायर से रिलेटेड। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि ये सब कुछ यहाँ पर पहले से ही खरीद कर इसका भुगतान कर दिया गया है, तो क्या हो सकता है।
है। जिस चीज को क्लियर करते हुए यहाँ पर जियान बताता है कि जब आपने यहाँ पर फैक्ट्री को छोड़ा था तब यहाँ पर बाकी सारे वर्कर्स ने भी इसे छोड़ दिया था। मैंने और युआन ने मिलकर यहाँ पर इस चीज को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर टर्नओवर की दर 80% से भी ज्यादा थी। यह कहा जा सकता है कि इस फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर उपकरण के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा है। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि कोई यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, तुम यहाँ पर लोगों को दोबारा से भर्ती करो, मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत देरी बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। जिस बात को सुनकर जियान बताता है कि अगर ये इतना ज्यादा आसान होता तो आपके पास यहाँ पर कॉल करने की जरूरत ही क्या थी, और वैसे भी हमने इस बारे में जांच की है कि यहाँ पर जो बाकी की औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं वो भी यहाँ पर इसके अंदर मिली हुई हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अपने वर्कर्स की सैलरी को बढ़ाते हैं तो जो दूसरे कारखाने हैं वो भी यहाँ पर ऐसा ही करते हैं और अपने वर्कर्स की सैलरी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि तुम यहाँ पर बस मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी ऑफिस पर आता हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक होटल का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है लिन को जो कि यहाँ पर दरवाजे पर नॉक कर यहाँ पर हान को आराम करते वक्त उठा देता है। जहाँ पर जियान उठते हुए कहता है कि आखिरकार कौन है, मैं तो अभी अभी बस सोने ही वाला था। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे थे रात भर जो कि तुम यहाँ पर अभी भी सोने वाले हो। और हान के कमरे के अंदर का दृश्य देखकर ही लिन यहाँ पर समझ जाता है कि हान यहाँ पर पूरी रात क्या कर रहा था। जिसके बाद लिन यहाँ पर हान से कहता है कि वाह, मैंने तो यहाँ पर इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था तुमसे, और वैसे यहाँ पर मुझे तुम्हारी जरूरत थी, क्या तुम यहाँ पर मुझे अपना प्लेन दे सकते हो, क्योंकि मुझे किसी काम की वजह से जोंघाई जाना है और अभी तक मुझे मेरा प्लेन रिसीव नहीं हुआ। जिस पर हान कहता है कि क्या तुम सच में अभी जाना चाहते हो। जिस पर लिन कहता है कि कंपनी में थोड़ी बहुत चीजें हो गई हैं तो मुझे उसे ठीक करना पड़ेगा। इस पर हान कहता है कि क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँ। जिस पर लिन कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर मुझे अपना प्लेन दे दो, इसके अलावा मैं इसे खुद से हैंडल कर दूंगा, ये इतनी ज्यादा बड़ी डील नहीं है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लिन को किसी के पास जाता हुआ, और हम देखते हैं कि लिन किसी और के पास नहीं बल्कि यहाँ पर जियान और युआन के पास ही आ रहा होता है। जहाँ पर युआन लिन को देखते हुए कहती है कि सच में आप यहाँ पर बहुत जल्दी आ गए। इसी के साथ हम देखते हैं कि युआन यहाँ पर लिन को बताने लगते हैं कि बॉस आप यहाँ पर एकदम सही टाइम पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे सेलफोन प्रोजेक्ट के साथ कुछ हुआ है। जिस पर लिन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुमने मुझे बता दिया था कि फैक्ट्री के वर्कर यहाँ पर काम छोड़कर जा रहे हैं और वो लोग यहाँ पर इसका कुछ अच्छा रीजन नहीं दे पा रहे हैं। जिस पर युआन कहती है कि हाँ मैंने चेक किया, बेसिकली वो लोग यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी साइंस और टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर वो लोग यहाँ पर लर्निंग कंपेनियंस, वो भी यहाँ पर सिक्को हाईटेक यहाँ पर इंडस्ट्री पार्क में है, और ये सब यहाँ पर उसी नई टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है जो कि यहाँ पर LED स्क्रीन को यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, जो कि चाइना की फील्ड के अंदर स्क्रीन के प्रोडक्शन में यहाँ पर काफी अच्छी पोजीशन को होल्ड करती है। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इसे इस तरीके से देखते हो तब तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा एक कमाल का है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर आज दोपहर के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम्हें मेरे साथ एक बार टहलने के लिए आना चाहिए। जिस पर युआन कहती है कि अगर मैं यहाँ पर आपके साथ चलती हूँ तो भी यहाँ पर ब्रदर जियान के बिना यहाँ पर कंपनी बिल्कुल भी नहीं वर्क करने वाली। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि मैंने कब यहाँ पर तुम लोगों को ज्यादा वर्क करने के लिए कहा था। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर सिक्को इंडस्ट्रियल पार्क की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर युआन लिन के साथ आया हुआ होता है, और यहाँ पर युआन बता रही होती है कि ये वही जगह है जहाँ पर न्यू इलेक्ट्रॉनिक का फ्यूचर होने वाला है और यहाँ पर एक साइंस इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीज को यहाँ पर ये लोग स्टार्ट करेंगे। जिस पर लिन कहता है कि हमने आधे दिन के अंदर ही यहाँ पर इसके बीच के मुद्दे को पकड़ लिया। जिस पर युआन कहती है कि हाँ, और वैसे भी यहाँ पर इन्होंने हमारी कंपनी को स्टॉप कर दिया जो कि यहाँ पर कोई बड़ी कंपनी नहीं कर सकती, और इन तीन कंपनियों को हम इतना हल्के में भी नहीं ले सकते। और जब लिन यहाँ पर ये सारी बातें बता रहा होता है, वहीं बगल में ही कुछ लोग अपना अलग ही सुट्टा मार रहे होते हैं, और लिन भी उन्हें देखते हुए कहता है कि न्यू टेक्नोलॉजी एंट्रेंस के गेट पर ये लोग क्यों खड़े हुए हैं, वैसे भी वो लोग यहाँ पर खड़े हैं तो हमें क्यों देख रहे हैं। और वैसे युआन यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताती है, तो मैं यहाँ पर सिंपली बता देता हूँ कि वो लोग यहाँ पर पहले लिन की कंपनी में काम करते थे, लेकिन अभी वो लोग यहाँ पर उस कंपनी में काम करते हैं। जिस बात को सुनकर लिन यहाँ पर युआन से पूछता है कि क्या वो लोग खुद ब खुद यहाँ पर चल कर आए हैं या उन्हें ट्रैप किया गया है। वैसे भी चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर कितना जल्दी उन्हें अपने अंडर ले आ पाते हैं। हम उन्हें जितना जल्दी अपने अंडर ले आ पाएंगे उतना ही जल्दी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट भी कर सकेंगे यहाँ पर अपनी कंपनी की प्रोडक्शन को। इसके साथ वो लोग यहाँ पर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर युआन उन लोगों को बुलाती है, लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं युआन यहाँ पर उनसे कहती है कि तुम लोग जरूर मुझे भूले नहीं होगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले एक्विजिशन के लिए बात करने के लिए गए थे। वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी फैक्ट्री के अंदर रखना तो चाहती थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यहाँ पर तुम लोग किसी दूसरे की तरफ ही जा चुके हो। जिस पर वो पर्सन कहता है कि हाँ, हमें यहाँ पर फैक्ट्री को बदलना पड़ा क्योंकि जो हमारा दूसरा बॉस है वो यहाँ पर हमारी फैमिली को सपोर्ट करता है, तो हमें ये सारी चीजों का सेटलमेंट करना पड़ा। जिस बात को सुनकर युआन कहती है कि ओ, फिर तो यहाँ पर उस पर्सन ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया होगा। जिस पर युआन कहती है कि अगर तुम यहाँ पर फ्यूचर के अंदर रखते हो कोई भी रहता यहाँ पर सेलफोन कंपनी के अंदर यहाँ पर काम करने का, वह भी फ्यूचर के अंदर, तो मुझे हैरानी नहीं होगी यहाँ पर तुम्हारी सैलरी को बढ़ाते हुए। जिस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है कि आखिरकार हम वहाँ पर क्यों आए, और इसके अलावा यहाँ पर जो सैलरी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो तुम लोग यहाँ पर हमें दोबारा से बेवकूफ नहीं बना सकते। जिस बात को सुनकर युआन कहती है कि हम तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर देखो कंपनी के बॉस भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। जिस बात को सुनकर वो पर्सन वहाँ से जाते हुए कहता है कि हमें इस चीज की परवाह नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कौन आया है, और इसके अलावा यहाँ पर हमें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने चाहता कि तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ पर अपने काम के अंदर देर कर दूँ। जिस पर लिन कहता है कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन चलो यहाँ पर टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में चलकर देखते हैं क्या वहाँ पर भी हमारे फैक्ट्री के लोग गए हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर टेक इलेक्ट्रॉनिक्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें काफी सारे वर्कर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर युआन कुछ लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि बॉस वो वहाँ पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक टकले पर्सन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये पहले भी हमारे फैक्ट्री के अंदर काम करता था, और ये बात लिन को बताने के बाद युआन यहाँ पर इस टकले की तरफ हेलो कहते हुए जाने लगती है, जहाँ पर वो टकला इस चीज के ऊपर बिल्कुल ज्यादा ध्यान नहीं देता, और वो यहाँ पर काफी ज्यादा कैजुअली युआन से पूछता
है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। जिफर युआन कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, अगर तुम यहाँ पर वापस से रिटर्न होना चाहते हो तो तुम यहाँ पर बस कैजुअली कह सकते हो, मैं यहाँ पर इसके लिए तैयार हूँ। और तुम यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस बार यहाँ पर तुम्हारी सैलरी को भी बढ़ा दिया जाएगा। जिस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है कि जाओ जाओ कहीं और जाओ, तुम यहाँ पर एक वैम्पायर हो जो कि यहाँ पर बिना किसी हड्डियों को निकाले ही लोगों को खा जाती हो। जिस बात को सुनकर उनके पीछे खड़ा हुआ एक पर्सन कहता है कि ब्रदर आपको मुझे लगता है कि दोबारा से इस बारे में सोच लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि इस बार वो लोग यहाँ पर कितने पैसे दे रहे हैं। जिस बात को सुनकर वो टकला वहाँ से उन्हें भगाते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर यंगस्टर हो और तुमने यहाँ पर इस चीज को सफर नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर मेरे शब्दों को सुनो और इसके ऊपर ध्यान दो और वापस अपने काम पर जाओ, क्योंकि वैसे भी हमें यहाँ पर जल्दी से अपने काम को खत्म करना है और कोई हमें यहाँ पर ओवर टाइम भी नहीं करना। और ऐसा कहने के साथ ही वो यहाँ पर उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो एक तरीके से दो बात कह जाता है कि वो यहाँ पर इनकी फैक्ट्री के अंदर काम भी नहीं करेगा और वो एक तरीके से ओवर टाइम भी नहीं करने वाला, मतलब अगर वो यहाँ पर किसी तरीके से काम करने के लिए तैयार हो जाता है तो भी। इसी के साथ हम देखते हैं युआन को जो कि यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद कहती है कि ये सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अजीब है, अगर हम लोग यहाँ पर उन्हें हाई सैलरी भी ऑफर करते हैं तो भी वो लोग यहाँ पर इसे रिफ्यूज करेंगे और वो लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और इसके अलावा अगर उनके पास यहाँ पर थोड़े पैसे हैं लेकिन अगर वो फिर भी नहीं कमाते हैं तो आखिरकार उनके दिमाग के साथ गड़बड़ी क्या है। इसी के साथ लिन वहां से जाते हुए कहता है कि यहाँ पर जो इस फैक्ट्री के दोनों लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर इस फैक्ट्री के वर्कर्स के हेड को काफी अच्छे खासे पैसे ऑफर किए हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर अपने सारे के सारे वर्कर्स के साथ हैं। और यही वजह है कि वो लोग यहाँ पर एक तरीके से अपने नीचे के वर्कर्स को यहाँ पर दूसरी फैक्ट्रीज के अंदर नहीं जाने दे रहे और अपने वर्कर के इन्फ्लुएंस की वजह से वो लोग यहाँ पर दूसरी फैक्ट्रीज के भी वर्कर्स को बुला पा रहे हैं। जिस पर युआन कहती है कि अगर यहाँ पर उन फैक्ट्रीज ने अपने वर्कर्स को इतने ज्यादा पैसों को यहाँ पर ऑफर किया है तो क्या वो लोग यहाँ पर लॉस नहीं कर रहे होंगे। जिस बात को सुनकर लिन यहाँ पर धीरे से उसके सर पर मारते हुए बताता है कि यहाँ पर इसके लिए काफी लंबी प्रिपरेशन कर रखी गई है, क्योंकि पॉसिबल है कि फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर हर किसी के लिए इम्प्रूवमेंट की गई है लेकिन यहाँ पर हर कोई इसका फायदा नहीं उठा पाएगा, बल्कि कुछ ही लोग यहाँ पर इसके लीकिंग बनकर रह जाएंगे और जब बाद में यहाँ पर फैक्ट्री ग्रो होते जाएगी तब कुछ लोग यहाँ पर इससे हट जाएंगे और इसकी वजह से यहाँ पर उन्हें ऑफर मिल जाएगा एक तरीके से बाकी वर्कर्स की भी सैलरी को यहाँ पर कम करने का। हाँ वैसे यहाँ पर ये वाला पार्ट थोड़ा अजीब था, अगर तुम लोग यहाँ पर चाहते हो अच्छे से इसे समझना तुम लोग मुझे बता देना, क्योंकि मैंने यहाँ पर बस ऊपरी ऊपरी से एक्सप्लेन कर दिया, अगर तुम लोग कहोगे डिटेल में तो मैं यहाँ पर इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी फिलहाल की फालतू की बकवास को साइड रखते हुए आगे की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर यहाँ पर युआन कहती है कि क्या ये दोनों फैक्ट्री यहाँ पर एंड तक लड़ने के लिए इतने सारे पैसे खर्च करेंगे, क्या हमें यहाँ पर इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना चाहिए। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इसी तरीके से खेलते रहेंगे तो हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाएंगे और हमें यहाँ पर सेलफोन के कारोबार को बंद करना पड़ेगा, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर इन दोनों फैक्ट्रीज के मालिकों के यहाँ पर तुम मुझे नंबर दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर उनके पास कॉल करते हुए कहता है कि वैसे क्या आप यहाँ पर इसके हेड बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर लिंगयांग ग्रुप का हेड बोल रहा हूँ और वैसे भी अगर आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा टाइम है तो क्या आप मुझे वो देना चाहेंगे। जिस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है कि अरे क्या आप यहाँ पर मिस्टर लिन बात कर रहे हैं, वैसे मैं यहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर आया हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे आने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं जैसे ही यहाँ पर वापस आता हूँ मैं तुरंत यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आ जाऊंगा। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि तो ठीक है यहाँ पर आते ही आप मुझे बता दीजिएगा। और कॉल के कटने के बाद यहाँ पर युआन पूछती है कि क्या हुआ, क्या वो नहीं मिले। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि कोई बात नहीं हम दूसरे के पास कॉल करते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक के हेड के पास कॉल करते हुए कहता है कि वैसे क्या आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा टाइम है, मैं यहाँ पर आपके साथ एक नाइट डिनर करने के बारे में सोच रहा था और मैं यहाँ पर लिंगयांग की तरफ से बात कर रहा हूँ तो अगर टाइम हो तो आप मुझे बताइएगा। जिस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हॉनर की बात है लेकिन मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा क्योंकि हाल ही में मेरी डॉटर इन लॉ ने यहाँ पर मेरे सेकंड बेटे को यहाँ पर जन्म दिया जिस वजह से मैं यहाँ पर आ नहीं सकता और मैं नाइट डिनर को यहाँ पर कैंसिल करता हूँ। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर युआन कहती है कि सच में इनकी यहाँ पर झूठ बोलने की स्किल इतनी ज्यादा घटिया है कि ये लोग यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। जिस पर लिन कहता है कि इसको जाने दो और वैसे भी चलो फैक्ट्री पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लिन यहाँ पर किसी तरफ देखने लगता है, जिसके बाद लिन यहाँ पर युआन से कहता है कि मुझे यहाँ पर सारी चीजों को जानने के लिए जी क्विंग यान के साथ यहाँ पर रोड में काम करना पड़ेगा। जिस बात को सुनकर युआन कहती है कि क्या आप यहाँ पर सड़क बनाने जा रहे हैं या फिर आप फिर से यहाँ पर किसी चीज को सेट करने के लिए जा रहे हैं। जिस बात पर लिन यहाँ पर एक स्माइल करते हुए कहता है कि आखिरकार मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ और वैसे भी ये सब यहाँ पर एक सेटअप है, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास बहुत सारी कंपनियों की चॉइस है लेकिन ये तो यहाँ पर मेरा पर्सनल बिजनेस है तो मैं तो यहाँ पर इसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता। जिस पर युआन कहती है कि तो ठीक है कल मिलेंगे, तो लिन यहाँ पर अपनी पगानी में बैठते हुए कहता है कि तो ठीक है तुम यहाँ पर खुद आ जाना। और ऐसा कहने के साथ ही लिन वहाँ से बैठकर कहीं चला जाता है, जिसके बाद हमारा सीन यहाँ पर मिस रिक्सु के मेंशन की तरफ शिफ्ट होता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं मिस रिक्सु को यहाँ पर लिन के लिए दरवाजा खोलता हुआ, जहाँ पर लिन उनसे हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर आपके लिए एक जूस ले आया था। जिस बात को सुनकर मिस रिक्सु यहाँ पर हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या बस इतनी सी चीज के लिए। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि कॉफी यहाँ पर इस विंटर की स्टार्टिंग के लिए है और वैसे भी ये यहाँ पर मैं दूसरी लड़कियों की बजाय यहाँ पर पहले मैं आपको देना चाहता हूँ। जिस बात पर मिस रिक्सु कहती है कि घुमा करवाते हुए करना बंद करो क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ तो चाहिए। जिस पर लिन कहता है कि जो यहाँ पर रोड है सिकियो इंडस्ट्री के पार्क की तरफ वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही फ्लैट नहीं है, वैसे भी यहाँ पर मैं इसे रिनोवेट करना चाहता हूँ और क्या आप यहाँ पर इसके अंदर मेरी मदद करेंगे, इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर मैं यहाँ पर इसके अंदर चैरिटी दूंगा। जिस बात को सुनकर मिस रिक्सु कहती है कि आखिरकार मुझे नहीं पता कि इसे रिनोवेट कैसे करते हैं और वैसे भी क्या यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है रोड को रिनोवेट करने के लिए। जिस
बात पर लिन यहाँ पर गुस्से में उस कॉफी को छीनते हुए कहता है कि तुम्हें इसे नहीं पीना चाहिए। वैसे भी तुम यहाँ पर खुद को देखो तो सही, तुम बहुत ज्यादा ही मोटी हो चुकी हो ऊपर और नीचे से। क्या तुम यहाँ पर इसके बावजूद भी इसे पीना चाहती हो? जिस बात पर मिस्टर कुसु कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे मोटा कहने का। और ऐसा कहते वक्त यहाँ पर मिस्टर कुसु के शर्ट की बटन खुल जाती है और जो वहाँ पर वो ब्लैक कलर का कपड़ा है ना, वो दरअसल हमारी सेफ्टी के लिए है। दरअसल वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते रियलिटी में। और हम देखते हैं दूसरे लड़कों की बजाय यहाँ पर लिन आंखें बंद करने की बजाय आंखें फाड़ कर देख रहा होता है, जिस पर मिस्टर कुसु अपनी इज्जत को बचाते हुए कहती है कि ठीक है तुम्हारी कंपनी यहाँ पर क्वालिफाइड है इसके लिए। जिसके बाद लिन यहाँ पर कहता है कि मैंने युवान से यहाँ पर पता कर लिया दो कंपनियों के बारे में और आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं है। जहाँ पर लिन उन्हीं दोनों टेक कंपनियों को यहाँ पर इसके लिए फंसा रहा होता है और हमें एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि यहाँ पर अपने कलीग से कह रहा होता है कि यहाँ पर हमें इस रोड की खुदाई करनी है, बट इतना ज्यादा भी नहीं गहरा खोदना, बस तुम्हें इतनी ही गहराई तक खोदना है कि यहाँ पर आसपास से कारों के जाने के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह बची रहे। जिस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है कि हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री के सामने खुदाई कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर पास हो सके। जिस बात पर उनका हेड कहता है कि लेकिन हमें करना पड़ेगा, तो वो पर्सन कहता है कि तो ठीक है हम करेंगे। और बस अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मशीनें खोदना स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर लिंगयांग बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं युवान को जो कि यहाँ पर लिन के रूम से बाहर निकल रही होती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई पर्सन यहाँ पर तेजी से आता है और उसे टक्कर मार देता है और इस वजह से युवान यहाँ पर नीचे गिर जाती है और सारे के सारे पन्ने इधर उधर बिखर जाते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर दोनों पर्सन को दिखाया जाता है, जिनमें से पहले पर्सन का नाम वांग सियांग होता है जो की न्यू टेक्नोलॉजी का बॉस है और सन योंग मिंग यहाँ पर सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का बॉस है और यांग इलेक्ट्रॉनिक्स का बॉस यहाँ पर लिन है। और हम देखते हैं वैंग को जो कि यहाँ पर कह रहा होता है लिन से गुस्से में कि आखिरकार आपके इस रवैये का मतलब क्या है मिस्टर लिन। जिस बात को सुनकर लिन गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे इस चीज का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर अंधे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टाफ को यहाँ पर हिट करने की। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर लिन के गुस्से को देखकर घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर वापस पीछे जाते हैं और युवान को यहाँ पर खड़ा होने में मदद करते हैं। जिसके बाद वैंग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मिस्टर लिन मुझे पता है कि आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर कोई ना कोई मैटर होगा इस बारे में बात करने के लिए और आप यहाँ पर इस मैटर के ऊपर यहाँ पर आप हमें एक अच्छा सोल्यूशन देंगे। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि अगर तुम दोनों हो कौन और वैसे भी सिक्योरिटी जल्दी से आओ और इन दोनों को उठाकर बाहर फेंको, ये दोनों इडियट कहाँ से अंदर आ गए। जिस पर हमें एक सिक्योरिटी के पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहता है कि ठीक है सर आपने जैसा कहा। तो लिन यहाँ पर उन सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि इन्हें यहाँ पर थाने में ले जाओ और यहाँ पर इनके ऊपर केस करो ह्यूमन असॉलमेंट का, और यहाँ पर इन्होंने एक लड़की को यहाँ पर टक्कर मारी है और उसके लिए यहाँ पर फिजिकली और मेंटली यहाँ पर ट्रबल क्रिएट की है, जिस वजह से यहाँ पर हम इनके ऊपर केस करेंगे और ये केस का मैटर यहाँ पर कोर्ट में देखा जाएगा। जिस बात को सुनकर वो बुढ़ा कहता है कि ये कितना ज्यादा रेडिकुलस है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। जिस पर युवान यहाँ पर अपने सर को पकड़ते हुए कहती है कि हाँ रे मेरा घुटना ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। और हम देखते हैं युवान को जो कि ओवर एक्टिंग करने लगती है, तो सिक्योरिटी गार्ड उसे देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार एक्टिंग करनी थी तो ओवर एक्टिंग करने लग गई। लेकिन हम देखते हैं लिन को जो कि यहाँ पर गुस्से में उनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे एम्प्लॉय के साथ मारपीट की है, जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर इन्हें पकड़ो और उठा के थाने में फेंको। जिस बात को सुनकर हमें दिखाया था सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ने लगते हैं, जिस बात पर सियोंग यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा पर्पस क्या है लेकिन क्या तुम इसे रोक सकते हो। जिस बात पर लिन कहता है कि तुमने यहाँ पर हमारे कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर यहाँ पर हमला किया था और क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हमारे बीच में कुछ बात करने के लिए बचा है। तो यहाँ पर सियोंग कहता है कि क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बहुत बात तो कर ही सकते हैं। जिस बात पर लिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बात तो दूर की बात है, हम नजरें भी नहीं मिलाने वाली, वो अलग बात है कि मेरी नजर पड़ गई। और हम देखते हैं युवान को जो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ होते हुए कहती है कि अरे बाप रे मेरे दोनों में बहुत ज्यादा ही चोट लग गई। जिस बात पर ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अरे बाप रे ये लड़की नहीं एकदम बवाल है। जिस पर युवान कहती है कि हाँ कैसी लगी मेरी एक्टिंग, चलो यहाँ पर कंपनसेशन के ऊपर बात करते हैं। और ऐसा कहते हुए युवान यहाँ पर जैसे ही अपनी पांच उंगलियों को आगे करती है तो लिन यहाँ पर कहता है कि वो 50 मिलियन मांग रही है कंपनसेशन के तौर पर। और लिन की इस बात पर तो युवान भी यहाँ पर घबराते हुए कहती है कि क्या 50 मिलियन इतने में तो मैं खुद को ही बेच दूँ। इस बात पर मिस्टर सियोंग कहते हैं कि इतने में तो यहाँ पर कोमा का मरीज कोमा से बाहर आ जाए, आखिरकार तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हो। जिस बात पर लिन कहता है कि ना 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 तुम्हें तो यहाँ पर 50 मिलियन देने पड़ेंगे, नहीं तो तुम यहाँ पर कोर्ट में मिलने के लिए तैयार रहना। जिस बात को सुनकर मिस्टर वैंग कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ पर मुकदमा दायर करो, मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर जज इतनी आसानी से क्या तुम्हारी बात को सुन लेगा। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, मैं ही खुद नहीं सुन पा रहा तो आखिरकार वो क्या सुनेगा। लेकिन हम देखते हैं जाते वक्त मिस्टर सिंह को जो कि यहाँ पर कहते हैं कि मिस्टर लिन प्लीज रुक जाइए, हम लोग यहाँ पर पैसा देने के लिए तैयार हैं लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर हमारी बातों को भी सुनेंगे। जिस बात पर लिन कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इतने एरोगेंट पहले नहीं होते तो अभी तक यहाँ पर यह सब कुछ साफ हो चुका होता। और हम देखते हैं युवान को जो कि काफी तक खुश होते हुए अपने एटीएम कार्ड को आगे करते हुए यहाँ पर उनके पास आती है और वो कहती है कि प्रेजिडेंट प्लीज यहाँ पर इन पैसों को इस बैंक में भेजना और यहाँ पर इतने ज्यादा पैसों के लिए यहाँ पर आपका धन्यवाद। जिस पर लिन भी कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर पैसों को भेज दो, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर जो भी कहना हो यहाँ पर आकर बैठो, हम एक साथ बात करते हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मिस्टर वैंग को जो कि यहाँ पर कहते हैं कि मिस्टर लिन आखिरकार आप यहाँ पर हमारे इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर खुदाई क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे लेबर्स को छोड़कर यहाँ पर हमारी कार्स तक अंदर नहीं जा पा रही और वैसे भी इस मामले पर चर्चा करने की यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है और वैसे भी मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इस चीज को बंद करवा देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की चीजें करना एकदम बेकार है। जिस बात पर लिन कहता है कि पिछले 2-3 दिनों से मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करने के बारे में कह रहा था, तब तो यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आप लोग यहाँ पर इस चीज के बारे में बात करने के लिए बाहर क्यों आए हैं। जिस बात पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि
हमारे पास यहाँ पर करने के लिए बहुत सारी जरूरी चीजें थी और आप यहाँ पर इसके बीच में ना आए। और वैसे भी बेहतर होगा कि आप यहाँ पर सबसे पहले इन चीजों को बंद भी करवाएं। और वैसे भी अभी आप यहाँ पर सामान को बाहर निकालने के लिए इंतजाम करें। इसके अलावा जब आपको यहाँ पर ये करना ही है तो हम आपको यहाँ पर एक सही टाइम बता देंगे। जिस बात पर लिन कहता है कि वही तो, अभी तो मेरे पास यहाँ पर इस चीज के लिए टाइम ही तो नहीं है और मुझे यहाँ पर ये जल्दी करना है और ये बहुत ज्यादा अर्जेंट भी है। जिस बात पर मिस्टर सिंह कहते हैं कि आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं। जिसके बाद लिन यहाँ पर मिस्टर सिंह से कहता है कि मेरे पास यहाँ पर टाइम नहीं है और वैसे भी यहाँ पर मेरा टाइम बहुत ज्यादा प्रीसियस है, तो आपको यहाँ पर मेरे प्रीसियस टाइम के लिए यहाँ पर हर मिनट के लिए 20,000 पे करना पड़ेगा। जिस बात पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि भले ही आप यहाँ पर कुछ भी कह रहे हो लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, और इसके अलावा भले ही यहाँ पर हमारा बिजनेस लिंग या ग्रुप जितना बड़ा ना हो लेकिन आप हमें यहाँ पर इस तरीके से बुली तो नहीं कर सकते। जिस बात पर लिन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरे पास भी टाइम नहीं है और वैसे भी मेरे पास यहाँ पर बहुत सारा काम है, तो बेहतर होगा कि इसीलिए हम यहाँ पर इसे यहीं पर खत्म करते हैं। जिस बात पर मिस्टर वैंग गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर फेयर तरीके से बात करने के लिए बात कर रहा हूँ, ना कि जॉब मांगने के लिए। और ऐसा करने के साथ ही वो लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर ऐसे एरोगेंट रहेंगे तो जल्दी ही आपका यहाँ पर बिजनेस डूब जाएगा। और उन्हें जाता हुआ देखकर युवान कहती है कि अब ये लोग यहाँ पर दूसरों से देर करा रहे थे तब इन्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन अब खुद कर रहे हैं, या कोई पर्सन इन्हें खुद देर करा रहा था तब इन्हें यहाँ पर बुरा लग रहा है। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि कोई बात नहीं, वो लोग यहाँ पर जल्दी ही वापस आ जाएंगे। इस बात को सुनकर युवान कहती है कि तो फिर मुझे भी क्या जाकर अपने काम पर लग जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं लिन को, जो कि यहाँ पर युवान को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 50 मिलियन मिला है और तुम्हें तो यहाँ पर मुझे 10 मिलियन देना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर मेरे पास यहाँ पर इतना अच्छा दिमाग नहीं था तो तुम्हें तो यहाँ पर आज इतना फायदा नहीं हो पाता। जिस पर युवान कहती है कि आप यहाँ पर मेरे मेहनत के पैसे को लेना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर इसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत से एक्टिंग की थी। लेकिन तभी युवान यहाँ पर अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहती है कि मेरे पास यहाँ पर कंपनसेशन के लिए दूसरा कुछ भी है। और ऐसा कहने के साथ ही वो यहाँ पर अपने शर्ट के बटन को खोल देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिन को एक ऐसा मंजर दिख जाता है, जिसे देखते हुए लिन कहता है कि क्या इतने ज्यादा बड़े। लेकिन हम देखते हैं युवान को, जो कि यहाँ पर मिस्टर के पास कॉल करते हुए कहती है कि सिस्टर देखिए, यहाँ पर मिस्टर लिन मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। जिस पर लिन वहां से उसे भगाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर युवान कहते हैं कि थैंक यू बॉस आपको मुझे ये पैसे देने के लिए। जिस बात को सुनकर लिन यहाँ पर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि ये किस्मत की बात है कि मिस जी ने यहाँ पर कॉल को रिसीव नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर मीडिया रिपोर्टर युवान के पास कॉल करते हुए यहाँ पर उनसे मदद मांगता है किसी चीज के लिए, जिसके बारे में हमें यहाँ पर अभी तो नहीं बताया जाता लेकिन हमें आगे इस बारे में बताया जाएगा। और इसी के अलावा हमें यहाँ पर एक चलती हुई कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर सिंह गुस्से में कह रहे होते हैं कि सच में वो बास्टर्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रेजी है, उसने यहाँ पर हमसे बहुत सारे पैसे निकाल लिए। जिस बात पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि रुको मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ, तो मिस्टर सिंह कहते हैं कि आखिरकार अभी आप क्या कर सकते हैं, हमें ये जल्दी करना होगा क्योंकि हर 2 दिन में यहाँ पर शिपमेंट होती है जो कि यहाँ पर कल है, और हमें सप्लायर्स को जल्दी माल पहुंचाना होगा, नहीं तो इस वजह से यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूट भी सकता है। लेकिन तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि सब कुछ हम यहाँ पर झांग की वजह से कर रहे हैं और हम यहाँ पर खुद के ऊपर इस ब्लेम को नहीं ले सकते, तो पहले हमें उन्हीं को बताना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर वैंग यहाँ पर झांग के पास कॉल करते हैं और झांग को यहाँ पर इस बारे में बताते हैं, तो झांग भी यहाँ पर कुछ बताता है उन्हें, जिस पर वो एग्रीड कर जाते हैं बट हमें वो बात नहीं बताई जाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर वैंग यहाँ पर हंसते हुए मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ सफेदी के बारे में ही सोचेंगे तो हम लोग यहाँ पर अपनी पास्ट की दिनचर्याओं को भूल जाएंगे, और वो यहाँ पर अपनी पुरानी आदतों की बात कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि वाह ये तो बहुत ज्यादा ही शर्मनाक है, वो भी यहाँ पर पोलाइट होने के बावजूद भी। और इसी के साथ मिस्टर वैंग यहाँ पर तेजी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है गेम पर वापस चलते हैं। इसके बाद हमारा सीन यहाँ पर वापस से उसी खुदाई वाले एरिया की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें उसी वर्कर को दिखाया जाता है जो कि आते हुए अपने बॉस से पूछता है कि आखिरकार हमें यहाँ पर और कितना ज्यादा गहराई तक खोदना है, जिस पर हमें उनके हेड को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहता है कि इतना ज्यादा गहराई तक खोदना ठीक रहेगा। और वैसे भी मिस्टर लिन ने यहाँ पर इस रोड को रिपेयर करने के लिए डिग नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने यहाँ पर इस ट्रैफिक को रोकने के लिए इसे डिग करवाया, और हमारा पर्पस एक तरीके से अचीव हो चुका है। तो ठीक है, जितने भी वर्कर हैं यहाँ पर उन्हें बता दो कि यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम हो चुका है और बाकी का काम हम लोग यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वैंग और संघ की कार वहीं पर आ जाती है, जहाँ पर मिस्टर संघ उस कार से निकलते हुए कह रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ और मेरी आंखों में धूल मत डालो, जिस पर हमें उनके बॉस को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहता है कि तुम हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसके अलावा अपनी उंगलियों को यहाँ से दूर रखो। जिस बात पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि अगर आज रात तक तुम यहाँ पर इस रोड को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर देते हो तो मैं यहाँ पर अगले दिन से तुम्हारे साथ पोलाइट नहीं रहूंगा। जिस बात को सुनकर उन लेबर्स का बॉस कहता है कि हमें यहाँ पर अप्रूवल मिला है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने का, तो तुम यहाँ पर मैस नहीं कर सकते हमारे साथ। जिस बात पर मिस्टर वैंग कहीं पर कॉल करते हुए कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर इसे इस तरीके से नहीं करने वाले हो तो आगे जाकर पछताना मत। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग कॉल कर यहाँ पर अपने कंपनी के सारे वर्कर को बुला लेते हैं, जहाँ पर हमें काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है दौड़कर वहीं आते हुए, जिसे देखते हुए उन लेबर्स में से एक पर्सन कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या ये हमारे साथ फाइट करना चाहता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, जल्दी से इसे ठीक कर दो, नहीं तो बाद में तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, इसके लिए यहाँ पर तुम मुझे दोष मत देना। जिस बात को सुनकर उन लेबर्स का हेड कहता है कि मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, तो मिस्टर वैंग आगे बढ़कर उसके पेट में हिट करते हुए कहते हैं कि तो फिर आगे जाकर तुम इसके लिए पछताना मत। और हमें दिखाया जाता है उस पर्सन को जो कि यहाँ पर खांसते हुए जमीन पर गिर जाता है लेकिन अपने लोगों को मना करता है लड़ाई करने के लिए, और फिर वो यहाँ पर गुस्सा करते हुए मिस्टर वैंग से कहता है कि तुमने यहाँ पर एक लीगल वर्कर को हिट किया और तुमने यहाँ पर उसे उसका काम करने से रोका भी है, तो तुम्हें यहाँ पर इसकी एक अच्छी पनिशमेंट भी मिलेगी। लेकिन
तभी हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को यहाँ पर पीछे से किसी की बुलाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो मिसी एंग होती है जो कि दौड़कर वहीं आ रही थी, जिस पर हमें उन लेबर्स का हेड दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहता है अपने सभी के सभी लेबर से कि आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से जमीन पर गिर जाओ। जिस पर हमें दिखाया जाता है उन सारे लोगों को जो कि हैरानी के साथ पहले तो इस बात को सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर एकदम ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। इसी के साथ मिसी एंग यहाँ पर अपने माइक को आगे करते हुए मिस्टर वैंग से पूछती है कि क्या आप हमें बताना चाहेंगे और हमारे सारे के सारे लोगों को भी कि आखिरकार आपने यहाँ पर इन लोगों को इस तरीके से नुकसान क्यों पहुंचाया है, वो भी अपने कंपनी के वर्कर्स के साथ, और आखिरकार आपके यहाँ पर ये सब करने की वजह क्या थी, क्या यहाँ पर इस वॉयलेंस का रीजन कोई पर्सनल दुश्मनी थी या फिर कुछ और। और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की यहाँ पर पूरी तरीके से फट जाती है ये देखकर, और वो यहाँ पर एक दूसरे से कहते हैं कि क्या रिपोर्टर आखिरकार ये प्लान में थी कब। जिसके बाद मिस यांग यहाँ पर और कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मिस्टर सन यहाँ पर उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाइए हमने तो अभी तक हाथ भी नहीं उठाया, तो अभी वो यहाँ पर गिर पड़े तो इसके अंदर हमारी क्या गलती है। जिस बात को सुनकर मिस यांग कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपने यहाँ पर इन 30 वर्कर को पीट दिया और इसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने कुछ उठाया ही नहीं, मुझे बताइए कि आपकी यहाँ पर बात का मतलब क्या है और आखिरकार आप यहाँ पर अपने बारे में क्या ही सफाई देना चाहते हैं ये सब करने के बाद। जिस बात को सुनकर मिस्टर वैंग कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप तो यहाँ पर ब्लाइंडली कुछ भी रिकॉर्ड किए जा रही है वो भी तड़के मसाले के साथ। जिस पर हमें यहाँ पर उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसी कंस्ट्रक्शन के हेड के पास आते हुए पूछती है कि आखिरकार आपके साथ क्या हुआ, क्या आप हमें बताना चाहेंगे। जिस पर हम देखते हैं उस पर्सन को जो कि यहाँ पर ऑस्कर लेवल एक्टिंग करते हुए कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर बस अपना काम कर रहे थे, लेकिन वो पर्सन यहाँ पर हमारे काम के बीच में आया और उन्होंने यहाँ पर हमें बहुत बुरी तरीके से मारा भी है और वो सभी हमें धमका रहे थे कि हम लोग इसे जल्दी से बंद कर दें, यहाँ पर मेरा एक बच्चा है जो कि पिछले महीने ही पैदा हुआ था और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा है, आखिरकार आप मुझे बताइए कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। और इन बातों को सुनकर मिस्टर वैंग काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं एक पर्सन से कि यहाँ पर चाहे जो हो जाए पहले तो जाकर उस कैमरे को तोड़। जिस पर मिस यांग भी कैमरे के आगे आते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कैमरे को नहीं तोड़ने दूंगी, ये यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज है और ये मेरी शान वगैरह पता नहीं क्या क्या है, तुम्हें इसे तोड़ना है तो मेरे ऊपर से जाना होगा। जिस बात को सुनकर मिस वैंग यहाँ पर घबराते हुए कहते हैं कि अरे यार आखिरकार ये लड़की यहाँ पर कहाँ से आ गई सारी की सारी प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए। जिसके बाद वो यहाँ पर और कुछ कर पाते हैं उससे पहले ही वहाँ पर काफी सारी पुलिस आने लगती है। इसी के साथ हमें यहाँ पर जाऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि कोई भी अपनी जगह से हिलना मत, और उसके बाद वो सारे गार्ड यहाँ पर चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और मिस्टर संग यहाँ पर ये सारी चीजों को देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये तो एक ट्रैप था जो कि यहाँ पर लिन ने हमारे लिए लगाया था। इसी के साथ हमें यहाँ पर उन गार्ड्स के हेड को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर वैंग और संग से कहते हैं कि आखिरकार आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उन मजदूरों को पीटने की, और इसके अलावा यहाँ पर आप एक रिपोर्टर के कैमरे को भी तोड़ना चाहते थे, आखिरकार आपको हिम्मत कहाँ से आ रही है। जिस बात को सुनकर मिस्टर वांग कहते हैं कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप यहाँ पर हमारी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। जिस पर उनका हेड यहाँ पर उन सभी को गिरफ्तार करते हुए कहता है कि जो भी तुम्हें बताना है यहाँ पर ऑफिस में चलना, आराम से बताना। इसके बाद हमारा सीन यहाँ पर किसी बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है और ये शायद जेल थी जिसका दरवाजा खुलता है और हमें यहाँ पर उसके अंदर मिस्टर संग और मिस्टर वैंग को दिखाया जाता है जो कि जैसे ही बाहर की तरफ देखते हैं वैसे उन्हें दिखाई पड़ता है लिन जो कि एकदम स्टाइल के साथ यहाँ पर अंदर आ रहा था। और लिन को देखने के साथ ही मिस्टर वैंग कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं गलत था और मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए, क्या आप मुझे यहाँ पर एक दूसरा चांस दे सकते हैं। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि अगर आप यहाँ पर सुबह के समय ऐसा करते तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता और अभी की आपकी कंडीशन सही होती, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर अब इसके लिए बहुत ज्यादा ही देर हो चुकी है। इसी के साथ मिस्टर वैंग यहाँ पर अपने घुटनों पर आते हुए कहते हैं कि मिस्टर लिन प्लीज माफ कर दीजिए, यहाँ पर आपने जो किया था वो बिल्कुल सही था और अब मैं भी यहाँ पर मुंह आपसे के लिए तैयार हूँ और आप जितने वक्त तक चाहे उतने वक्त तक यहाँ पर रोड की कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरा चांस देते हुए प्लीज यहाँ पर कोई भी लीगल केस मत कीजिएगा। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि आप लोग यहाँ पर सेलफोन की प्रोडक्शन करते हैं, सेलफोन की स्क्रीन की, तो आप हमें यहाँ पर उसके एसेसरीज को भेजेंगे वो अभी फ्री में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इस मामले को आगे बढ़ाऊंगा। जिस बात को सुनकर मिस्टर वैंग कहते हैं कि क्या फ्री सप्लाई, तो लिन वहां से जाते हुए कहता है कि अगर आपका जवाब नहीं है तो मैं यहाँ से जाता हूँ, आप इसे एंजॉय करें, तो दोनों यहाँ पर इस चीज के लिए एग्री कर जाते हैं। जिसके बाद लिन कहता है कि तो ठीक है तुम लोग यहाँ पर मुझे बताओ कि इसके पीछे था कौन जो कि ये सब करवा रहा था। इस बात को सुनकर वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे की तरफ पहले देखने लगते हैं और उसके बाद मिस्टर वैंग यहाँ पर एग्री होते हुए कहते हैं कि उस पर्सन का नाम यहाँ पर जांग हायुंग है जिसने कि हमें अप्रोच किया ऐसा करने के लिए। जिस बात को सुनकर लिन यहाँ पर उनसे पूछता है कि टाइटो में यहाँ पर इनका स्थान क्या है। जिस बात को सुनकर मिस्टर सिंह कहते हैं कि मूल रूप से आप यहाँ पर जानते थे कि ये यहाँ पर टाइटो का आदमी है जो यहाँ पर अच्छा नहीं कर रहा था आपके साथ। जिसके बाद मिस्टर वैंग बताते हैं कि ये यहाँ पर वॉइस प्रेसिडेंट है टाइटो का और इसने यहाँ पर हमें जो कुछ भी करने के लिए कहा हमने बस वही किया और हमने यहाँ पर एक तरीके से इसके ऑर्डर्स को फॉलो किया है और अक्सर ये यहाँ पर हमें सेलफोन के पार्ट को बनाने के लिए कहता था और उसका यहाँ पर एक अच्छा कीमत भी देता था, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इससे एक साथ एग्री थे। जिस पर लिन कहता है कि तो ठीक है तुम यहाँ पर उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और नंबर को इसके अंदर दर्ज करो। तो मिस वैंग यहाँ पर ना चाहते हुए भी ये सब करने लगते हैं और फिर वो यहाँ पर उस फोन को लिन की तरफ देते हुए कहते हैं कि हमने आपने जो कहा वो कर दिया है तो क्या आप हमें रिलीज कर देंगे यहाँ से जाने के लिए। जिस पर लिन कहता है कि यहाँ और यहाँ पर हमेशा की प्रक्रिया से गुजरते हैं और तुम यहाँ पर इसका एक एक्सपीरियंस करो। और इसके बाद लिन यहाँ पर उस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग यहाँ पर इतनी जल्दी लाइन को क्रॉस कर देंगे। इसी के साथ हमें यहाँ पर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं युवान को जो कि कैरी होती है कि ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। जिस पर लिन कहता है कि हाँ ये यहाँ पर इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैंने यहाँ पर उन्हें रास्ते से साइड हटा दिया और अब हमें यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं और
यहाँ पर सैलरी अब पहले की तरह ही रहने वाली है उनकी। जिस पर युआन कहती है कि हाँ मैं समझ गया, और जो ब्ला ब्ला की प्रेसिडेंट मिस तियान है वो यहाँ पर आपको कुछ कहना चाहती है। और ये बात यहाँ पर वाई फैमिली के बारे में है, जहाँ पर मिस तियान बताते हैं कि अगले दिन यहाँ पर वाई फैमिली की तरफ से मुझे बताया गया कि वो लोग यहाँ पर खुद ही कह रहे थे कि वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं 400 मिलियन, वो भी हमारे सेमी कंडक्टर रिसर्च में जो कि लॉन्गसिंग की है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट की और मैंने यहाँ पर एक मीटिंग के बारे में और डिस्कशन के बारे में डील की। लेकिन उन्होंने यहाँ पर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की मीटिंग के लिए मना कर दिया था और उन्होंने यहाँ पर सीधा ही पैसों को भेज दिया। जिस पर लिन कहता है कि क्या उन लोगों ने यहाँ पर परसेंटेज और इक्विटी के बारे में कुछ भी बात नहीं की। जिस पर मिस तियान कहती है कि हाँ, वो बस यहाँ पर बिना सोचे समझे पैसे उड़ा रहे हैं। जिस पर लिन कहता है कि तो ठीक है, तुम यहाँ पर टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर उन सारे पैसों को इन्वेस्ट कर दो और तुम्हें यहाँ पर बाकी के प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर उन्हें इन्वेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर लिन वहाँ से चला जाता है और मिस तियान कहती है तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर कंपनी के अंदर इन चीजों को देखते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा सीन यहाँ पर क्यूसू पैलेस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें मिर्जे को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि क्या सारी चीजों का ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। और हम देखते हैं लिन को जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि आपको यहाँ पर मोटा बनाने के लिए थोड़ा खाना खिलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे गए हुए बस कुछ ही वक्त हुआ है लेकिन आपको पता भी नहीं चला और आप यहाँ पर बहुत ज्यादा ही पतली हो चुकी है। जिस चीज को सुनकर यहाँ पर मिर्जे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने यहाँ पर वेट को लॉस करने के लिए कितना कुछ किया तुम्हें क्या पता। जिस पर लिन कहता है कि मैं पर्सनली यहाँ पर प्रॉपरली आपके लिए खाना बनाना चाहता हूँ। जिस बात को सुनकर मिर्जे यहाँ पर एक स्माइल करते हुए कहती है कि तुम्हारे पास काफी अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पर एक हाउसकीपर बनने का, और वैसे भी कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पर घर पर रहकर बेबी सिटिंग करो और मैं जाकर पैसे कमाऊँ। जिस बात को सुनकर लिन यहाँ पर एक स्माइल करता है और वो कहता है कि ये तो अच्छी बात होगी। और हम देखते हैं कि इस बारे में सुनकर यहाँ पर मिर्जे हैरान होते हुए अपने मन के अंदर कहती है कि आखिरकार ये पर्सन जिसने की अपनी मेहनत से इतना सब कुछ बनाया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो यहाँ पर बस मेरे कहने भर से ही इस चीज के लिए एग्री हो चुका है। लेकिन तभी लिन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर जो मुझे ऑफर दिया है वो यहाँ पर अधूरा नहीं है, तो क्यों ना इस ऑफर की कंडीशन को यहाँ पर पहले फुलफिल किया जाए। जिस बात को सुनकर यहाँ पर मिर्जे अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है कि ये तुम्हारी चाल थी मुझे यहाँ पर ट्रैप करने की। जिस बात पर लिन यहाँ पर मिर्जे को हक करते हुए कहता है कि ये तुम्हारी गलती है जो कि तुम यहाँ पर हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके इन रोमांटिक पलों के बीच में फ्लोर पर गिलास गिर जाता है जो कि टूटता तो नहीं है, तो लिन यहाँ पर उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है हमें दिखाया जाता है मिर्जे को जो कि यहाँ पर उस वक्त पूरा मूड में आ चुकी थी। और फिर इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर अपने कार्यक्रम को स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर जे को जो कि कह रही होती है कि ये डेजर्ट यहाँ पर सुबह का इतना ज्यादा मीठा और इतना ज्यादा क्यों है। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि तुम ऐसा मत कहो और वैसे भी खास ये चीजें मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए बनाई है, क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है। जिस बात को सुनकर मिर्जे कहती है कि मैंने यहाँ पर कुछ पाउंड मांस खरीदा था जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा इस तरीके से, तो और वैसे भी ये चीजें यहाँ पर सुबह के वक्त खाने में बहुत ज्यादा ही चिकनी लगती हैं और इसे चिपचिपा भी कहा जा सकता है। लेकिन लिन यहाँ पर कह रहा था मिर्जे से कि तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो और इसे शांति से खाओ, ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा। ये चीज को खाते हुए मिर्जे यहाँ पर कह रही होती है गुस्से में कि तुम मुझे जानबूझकर मोटा करना चाहते हो ताकि तुम मुझे छू और तुम्हें कंफर्टेबल फील हो, और वैसे यहाँ क्या तुम्हारे पास यहाँ पर करने के लिए कोई और काम है, क्योंकि यहाँ पर मेरी मदर चाहती है कि आज रात यहाँ पर तुम डिनर के लिए आओ, तो मतलब यहाँ पर अगर तुम्हें कुछ और भी करना हो तो तुम बता सकते हो, मैं उन्हें मना कर दूंगी। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि मेरे पास बहुत सारा खाली टाइम है, चलते हैं, रात में मना करने की क्या जरूरत है। जिस पर मिर्जे अपने पेरेंट्स के पास कॉल करते हुए कहते हैं कि तो ठीक है, मैं यहाँ पर उनसे इस बारे में बात कर लेती हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं लिन के पास यहाँ पर उसी एंकर का कॉल आता है जो कि यहाँ पर लिन को बताती है कि मिस्टर लिन, क्या आपके पास यहाँ पर कोई ब्रॉडकास्ट का शेड्यूल है, क्योंकि मैं खाली हूँ और वैसे भी मैं यहाँ पर इसके अंदर आपकी मदद करना चाहती थी। जिस पर लिन कहता है कि हाँ, मेरे पास यहाँ पर इसका एक शेड्यूल तो है जिसके लिए मुझे यहाँ पर पहले अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, अभी फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर कॉल को कट कर दो, मैं बाद में यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ या मैसेज करता हूँ। जिस बात को सुनकर वो एंकर भी कहती है कि तो ठीक है, मैं यहाँ पर इस चीज का वेट करूंगी। और हम देखते हैं मिर्जे को जो कि यहाँ पर उस कॉल को कट करने के बाद कहती है लिन से कि अगर यहाँ पर तुम, लेकिन इस चीज को याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर टाइम पर आ जाना है रात में। जिस पर लिन भी हाँ कहते हुए वहाँ से वर्क के लिए निकलने लगता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर उसी बनती हुई रोड को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर आपस में ही काम भी कर रहे होते हैं और मस्ती मजाक भी। लेकिन तभी हम देखते हैं उन वर्कर्स का हेड यहाँ पर लिन को आता हुआ देखकर कहता है कि आखिरकार मिस्टर लिन यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। और हम देखते हैं लिन को जो कि वहाँ पर आने के साथ उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर पता लगा कि कल यहाँ पर तुम्हें मार पड़ी थी, क्या तुम्हें कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी, और मैं यहाँ पर तुम्हारे वर्क को देखने के लिए आया हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ पर कितना बेहतर कर रहे हो। जिस बात पर वो पर्सन कहता है कि आपके पूछने के लिए थैंक्स, लेकिन यहाँ पर ये इतनी बड़ी भी डील नहीं थी और यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। जेबल इन कहता है कि तो फिर ये तो ठीक है, और वैसे भी तुम यहाँ पर कोई कोने को छोड़ना मत और यहाँ पर जितना हो सके उतना पैसा यहाँ पर खर्च करने से हिचकिचाना मत, मैं यहाँ पर तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। जिस पर वो पर्सन कहता है कि ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर टोंग टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होता है जो कि एक तरीके से लिन की ही इंडस्ट्री है, जिसे कि लिन यहाँ पर सेल फोन के डेवलपमेंट के लिए यूज करेगा, जहाँ पर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि लिटल गर्ल, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बात कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर हमें नॉर्मली भर्ती करना चाहती हो। और वो टकला भी यहाँ पर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि कौन कहता है कि तुम यहाँ पर एक नॉर्मल बच्चे हो, तुम्हारी बातें यहाँ पर काफी ज्यादा रीजनेबल है, बट मुझे लगता है कि ये यहाँ पर बेवकूफी भरी ही भी है, तो तुम यहाँ से जाओ और जाकर दूसरा कोई काम करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रिन होती है जो कि यहाँ पर कहती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कितनी ज्यादा नॉनसेंस बातें कर रहे हो, हम लोगों ने यहाँ पर जॉब और सैलरी को पोस्ट कर दिया और ये सैलरी यहाँ पर ज्यादा भी है और यहाँ पर काफी सारे लोग इसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आकर बीच में रुकावट क्यों बन रहे हो और ऐसा करने से उन्हें रोक क्यों रहे हो। और इसी के साथ हमें यहाँ पर लिन को भी दिखाया जाता है जो कि पीछे खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है।
जाता है। और लिन यहाँ पर एक स्माइल करते हुए कहता है कि ये लिटिल गर्ल भी यहाँ पर धीरे धीरे बड़ी हो रही है। जिस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर लॉ को ब्रेक क्यों कर रहे हो, और वैसे भी रोड यहाँ पर तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है ना कि तुम्हारा घर। जिसके बाद वो पर्सन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बाकी सारे वर्कर्स से कहता है कि ब्रदर यहाँ पर देखिए उस फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर कोई भी नहीं है, और वैसे मुझे लगता है कि फैक्ट्री यहाँ पर हमारे लिए सही भी रहेगी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोई और फैक्ट्री ढूंढते हैं जो कि यहाँ पर हमें शायद आगे जाकर इससे ज्यादा बेहतर मिल जाए। और हम देखते हैं कि इस बारे में सुनकर वो लोग भी यहाँ पर आपस में बातें करने लगते हैं। जी पर हम देखते हैं एक पर्सन को आगे आते हुए कहता है कि तुम क्या यहाँ पर सही कह रहे हो कि तुम लोग यहाँ पर हमेशा हर किसी को यहाँ पर भुगतान करने वाले हो, वो भी यहाँ पर 100 T1 का, वो भी खाने पीने के साथ। जिस बात को सुनकर वो गंजा पर्सन कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर अगर मेरी बात को मानते हो तो यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ पर तुम मेरा साथ दो और जो मैं कहूँ वो तुम करो। जिस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है कि तो ठीक है, हम सभी यहाँ पर आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और हमें दिखाया जाता है रैन को जो कि यहाँ पर इन सारी चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा ही घबरा जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उन लोगों को जो कि वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन रैन यहाँ पर बस ये सब कुछ देख पा रही होती है, ना कि यहाँ पर कुछ कर पा रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी तरफ लिन को बढ़ता हुआ देखती है, जिसके बाद वो यहाँ पर लिन को झुककर ग्रीट भी करती है। जिस पर लिन यहाँ पर एक स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा ही अच्छी थी, और देखते हैं कि आखिरकार इससे कितनी ज्यादा प्रोग्रेस हो पाती है, और आखिरकार रुक कर देख ही लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये चीजें कितने ज्यादा आगे तक जा पाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो पर्सन यहाँ पर पीछे देखते हुए कहता है लिन से कि अगर यहाँ पर तुम इस चीज के बॉस हो तो तुम्हें इस कंपनी को छोड़ ही देना चाहिए। जिस चीज को सुनकर लिन कहता है कि अगर यहाँ पर तुम इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो तो तुम बना सकते हो, इससे तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। और वैसे भी अभी हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर है और यहाँ पर पीस और प्रॉस्पेरिटी काफी ज्यादा अच्छी है, तो आखिरकार तुम्हें इसे इस तरीके से अप्रिय क्यों बनाना पड़ रहा है। जिस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है कि पीस और प्रॉस्पेरिटी इन चीजों की बातें तो आप रहने ही दीजिए, और वैसे भी कल वो आप ही थे जिन्होंने की यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन के काम को स्टार्ट किया था, और आप यहाँ पर पीछे से खेलते हैं, इसी वजह से आपको यहाँ पर हराया नहीं जा सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं उस टकले को जो कि यहाँ पर कहता है कि मैं बस अपनी बात रखना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक वो दोनों फैक्ट्रियां बंद नहीं हो जाती तब तक यहाँ का कोई भी वर्कर वहां जाकर काम नहीं करने वाला। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि शायद तुम्हें यहाँ पर अंदाजा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर अभी क्या मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर तुम इसके लिए तैयार होते हो तो तुम लोग यहाँ पर आगे आकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हो। जिस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर जो भी करो, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है, चाहे तुम कितना भी पैसा ऑफर करो। जिसके बाद वो पर्सन यहाँ पर लिन की तरफ फिंगर करते हुए कहता है कि सभी लोग यहाँ पर सुनो, मैं यहाँ पर टेक्निकली टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स की बैकबोन रहा करता था पहले। बैकबोन का मतलब है मेन मेंबर था। जिसके बाद वो पर्सन आगे कहता है कि ये लोग फिर भी यहाँ पर मुझे मेरी सैलरी का पूरा भुगतान टाइम पर नहीं कर पाते थे, तो क्या आपको सच में लगता है कि ऐसी फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर क्या आपका कोई आगे का फ्यूचर हो सकता है। और हम देखते हैं कि उसकी बातों को सुनकर यहाँ पर लोग भी आपस में ऐसी ही बातें करने लगते हैं। जिस बात को सुनकर रैन यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश तो करती है, लेकिन लिन उसे पहले यहाँ पर रोक देता है। जिसके बाद लिन यहाँ पर उन लोगों से कहता है कि अगर यहाँ पर तुम लोग आना नहीं चाहते हो तो मुझे कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर आज की भर्ती के साथ आगे बढ़ता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि ऐसा कहने के साथ ही लिन यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है, और हमें दिखाया जाता है कि सारी चीजों को देखते हुए ये लोग यहाँ पर हंस रहे होते हैं जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा ही काम कर दिया हो। और हमें दिखाया जाता है कुछ दूर आने के बाद यहाँ पर रियान लिन से कहती है कि मिस्टर लिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी पीपल नहीं है जो कि काम के लिए तैयार हो, सभी लोग वहाँ पर बाहर हैं। जिस पर लिन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें यहाँ पर कोई रेस्ट करने की जरूरत नहीं, वो लोग यहाँ पर इसे जैसे करना चाहते हैं वैसे करें, वैसे भी कुछ देर बाद वो लोग खुद ही आने वाले हैं। और ऐसा कहने के साथ ही वो लोग यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे इक्विपमेंट एकदम नए के नए पड़े होते हैं। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पर इनको इस बारे में बताती है, इन सारे इक्विपमेंट के बारे में, कि सारे इक्विपमेंट यहाँ पर सारे के सारे नए हैं और अभी ये लोग काफी ज्यादा बेहतर तरीके से वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट की कमी है। और वैसे भी लेकिन उसके बावजूद भी एक फोन को यहाँ पर 12 मिनट के अंदर असेंबल किया जा सकता है, और लोगों के हिसाब से प्रोडक्शन को देखा जाए तो 200 पीपल ऑलमोस्ट 10,000 फोन तो बना ही लेंगे एक दिन में। जिस पर लिन कहता है कि तो ठीक है, यहाँ पर तुम कुछ दिन और ऐसे ही इसके ऊपर नजर रखो, और इसके अलावा मैं यहाँ पर बिल्कुल भी दूसरे के ऊपर सहज नहीं हो सकता। तभी हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पर कार से मिस्टर सिन और मिस्टर वैंग बाहर आते हैं, और जैसे ही वो दोनों यहाँ पर बाहर खड़े हुए वर्कर्स को देखते हैं वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर मिस्टर वैंग मिस्टर संग से कहते हैं कि अगर क्या हुआ, ये लोग यहाँ पर इस तरीके से बाहर क्यों खड़े हैं, क्या ये हमारा वेलकम करने के लिए है। लेकिन तभी ये पर्सन यहाँ पर मिस्टर वैंग से कहता है कि टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ पर रातों रात ही पोस्टर छाप दिए हैं जॉब के, तो वो टकला पर्सन कहता है कि हाँ लेकिन हमने यहाँ पर चीजों को संभाल लिया और अभी तक किसी को उनके साथ शामिल नहीं होने दिया है, और वैसे भी आप दोनों यहाँ पर चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, हम लोग यहाँ पर इसकी टेक केयर अच्छे से कर लेंगे। और हम देखते हैं कि उसके इन अल्फाजों को सुनने के बाद ये यहाँ पर दोनों घबरा जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर वैंग आगे बढ़ते हैं और उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, और मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कब कहा था। जिस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है कि मिस्टर वैंग, आपको याद नहीं है कि आपने हमें पहले ऐसा ही करने के लिए कहा था, लेकिन अभी यहाँ पर आपके साथ ऐसा क्या गलत है जो कि अभी आप हमें इसके लिए रोक रहे हैं। जिस बात को सुनकर मिस्टर वैंग कहते हैं कि तुम लोग तो यहाँ पर मेरे अच्छे कर्मों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए हो। जिसके बाद मिस्टर वैंग कहते हैं कि तो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम दोनों यहाँ पर वर्क नहीं करोगे, ठीक है। जिस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है कि आखिरकार मिस्टर वैंग यहाँ पर क्या बकवास चल रहा है, आखिरकार आप ही थे जिन्होंने की यहाँ पर पहले हमें काम पर रखने की बात की थी, लेकिन आखिरकार अभी आप हमें यहाँ से निकालना क्यों चाहते हैं। जिस पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग यहाँ पर जहाँ पर पहले काम किया करते थे वहीं पर जाओ काम करो। इसी के साथ हमें बाकी सारे वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को पूरी तरीके से घेर लिए होते हैं, तो वो दोनों यहाँ पर रिप्लाई करते हुए कहते हैं उनसे कि आप लोग यहाँ पर इस बारे में चिंता मत कीजिए, हम लोग यहाँ पर अंदर जाकर जल्दी से मिस्टर लिन से इस बारे में बात करते हैं, जल्दी ही यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस बात को सुनकर वो सभी लोग यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग पहले भी वहाँ पर जॉब करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन तुम लोगों की वजह से
रुके हुए थे। लेकिन अब अगर हमारी यहाँ पर हाफ डे की सैलरी रुकती है तो यहाँ पर तुम्ही लोग इसके लिए पछताओगे। जिस बात को सुनकर वो मोटा पर्सन कहता है कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यहाँ पर कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम थी, यहाँ पर आपको इसके लिए ब्लेम नहीं किया जाएगा। जिसके बाद वो दूसरा पर्सन कहता है कि अभी आप लोगों ने यहाँ पर सुना, हम लोग यहाँ पर टोंग इलेक्ट्रॉनिक के पुराने यहाँ पर वर्कर्स थे और बॉस अभी यहाँ पर बात कर रहे थे कि वो हमें यहाँ पर अधिक वेतन पर लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए क्योंकि मेरे अंदर जाने के साथ यहाँ पर आप सभी का अंदर आना बहुत जल्दी ही आसान हो जाएगा। इसी के साथ हमें दिखाया था कि वो लोग यहाँ पर फैक्ट्री के एंट्रेंस के पास आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उस टकले पर्सन को जो कि कह रहा होता है चिल्लाते हुए कि मिस्टर लिन, हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर दोबारा से काम करने के लिए आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री के पुराने वर्कर्स हैं, तो आप यहाँ पर जल्दी से दरवाजे को खोलिए, हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं रियान कहती है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग यहाँ पर पुराने वर्कर्स और ये वही दोनों हैं जो कि फिलहाल यहाँ पर शायद काम के लिए आए हैं, और ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पर कंपनी की एंट्रेंस पर हैं, तो हमें भी जाकर देखना चाहिए। और वैसे मेरे हिसाब से कि उनका जिस तरीके से पहले यहाँ पर रवैया था, उन्हें इतना जल्दी तो अंदर नहीं आने देना चाहिए। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि तो ठीक है, तुम यहाँ पर जो कहती हो वही करो, मुझे यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा कहने के साथ ही हमें दिखाया था यहाँ पर बाहर का सीन, और हम देखते हैं इस पर्सन को जो कि यहाँ पर मिस्टर लिन को वापस से मक्खन लगाते हुए कहता है कि मिस्टर लिन, आपने यहाँ पर जो हमें हाई सैलरी का ऑफर दिया था, हम लोग अभी उसी के ऊपर बाहर बात करने के लिए गए थे और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी जगह मुझे होना चाहिए। मतलब वो एक तरीके से इस फैक्ट्री का वॉइस प्रेसिडेंट बनने की बात कर रहा होता है जैसे कि वो पहले था, और वॉइस प्रेसिडेंट यहाँ पर वो लोग होते हैं जो कि यहाँ पर मेन लीडर की जगह पर उसका काम करते हैं। जिसके बाद लिन यहाँ पर उस पर्सन से कहता है कि एक मिनट रुको, तुमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हमारी फैक्ट्री यहाँ पर बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई है और तुम्हारा तो यहाँ पर सैलरी भी कट गई थी, तो तुम दोबारा क्यों आना चाहते हो। जिस बात को सुनकर वो पर्सन घबराते हुए कहता है कि एक मिनट मुझे माफ कर दीजिएगा, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और इसके अलावा टांग इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर आपके नेतृत्व में बहुत ज्यादा ही बेहतर हो रहा है। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि तुमने यहाँ पर अपनी पोजीशन का फायदा उठाया और इसके अलावा तुमने यहाँ पर जो किया है वो यहाँ पर बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पर तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। जिस बात को सुनकर वो पर्सन लिन के आगे आते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर आप यहाँ पर इस बात के लिए एग्री नहीं होते हैं तो मैं भी आपके आगे से नहीं हटूंगा। जिस पर लिन यहाँ पर सिक्योरिटी को बुलाते हुए कहता है कि इन लीडर्स को यहाँ पर से बाहर निकालो और इसके अलावा अंदर जाकर इंटरव्यू को अरेंज करो। और इसी के साथ हमें यहाँ पर सिक्योरिटी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस पर्सन को पकड़ कर ले जा रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन को यहाँ पर उसी एंकर की कॉल आती है जिसे कि लिन ने यहाँ पर सारी चीजों को बता दिया था, शायद टेक्स्ट किया था जो कि हमें नहीं दिखाया था। और हम देखते हैं कि वो एंकर कह रही होती है कि मिस्टर लिन, आपने जैसा कहा था ब्रॉडकास्ट के बारे में, हमने सब कुछ तैयार कर दिया है, और एडिशनली हम लोग यहाँ पर इसके अंदर कुछ सेलिब्रिटीज को भी बुलाने वाले हैं, तो आप यहाँ पर फ्राइडे को जरूर आइएगा। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ पर एक फार्मर की मदद करने के लिए था, तो तुम यहाँ पर ज्यादा सेलिब्रिटीज को मत बुलाना, और वैसे भी यहाँ पर ये एक नॉर्मल सा ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। और ऐसे लिन यहाँ पर बहुत सारा बेकार सा ज्ञान देता है जो कि हमारे किसी काम का नहीं, और लिन और उसकी यहाँ पर आपस की बातों के साथ ही यहाँ पर ये कॉल कट हो जाता है। जिसके बाद लिन यहाँ पर लास्ट में कॉल को कट करते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो एंकर बदल सकते हो, और अगर वो ऑलरेडी यहाँ पर एग्री है तो तुम मैं यहाँ पर कॉल रखता हूँ। जिसके बाद लिन यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि आज मेरी फैमिली इकट्ठा होने वाली है, तो मैं यहाँ पर उनके लिए कुछ खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर बाकी की चीजों को संभाल लेना। जिस बात का रिप्लाई करते हुए रिन कहती है कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी इस बारे में चिंता मत कीजिएगा, मैं संभाल लूंगी। और फिर हमारा सीन एक शॉप की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर लिन आया हुआ था, और वहाँ पर एक पर्सन लिन से कह रहा होता है कि सर, इसे आप अपने लिए खरीद रहे हैं या फिर आप इसे किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से इसे रिकमेंड कर सकता हूँ। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि हाँ ये मेरी फ्यूचर वाइफ के लिए है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे इसके अंदर। जिस बात को सुनकर उस शॉप का ऑनर कहता है कि आपका यहाँ पर बजट क्या है, आप अपना बजट बताइए, उसके हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि तुम बिल्कुल भी बजट की चिंता मत करो, जब तक वो चीज अच्छी होगी मैं उसे खरीद लूंगा। जिस बात को सुनकर वो पर्सन यहाँ पर एक जेड ब्रेसलेट को दिखाते हुए कहता है कि चीज की कीमत यहाँ पर 8,20,000 है, और अगर इसे पहनने के बारे में कहा जाती है एक मिडिल एज की लेडी के लिए एकदम परफेक्ट होगा। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पर इसे रैप कर दो, और ये क्या है। जिस चीज को सुनकर वो पर्सन बताता है कि ये यहाँ पर 3,20,000 पीले नाशपातियों के फूल से बना हुआ ये यहाँ पर ब्रेसलेट है, और नाशपाती एक तरीके से अमरूद जैसा दिखने वाला फ्रूट होता है। और हम देखते हैं एक लेडी को जो कि यहाँ पर इस चीज को देखते हुए कहते हैं कि यंग मैन, यहाँ पर तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा ही अच्छी है। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि हाँ और आप भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। जिस बात को सुनकर वो ओल्ड लेडी कहती है कि ठीक है, ये अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन क्या तुम्हारे पास यहाँ पर टाइम है एक मील के लिए। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि सिस्टर आप बहुत ज्यादा ही ओल्ड है, और आप यहाँ पर मुझे हिट मत कीजिए, मैं उस तरीके का यंग मैन नहीं हूँ। और ऐसा कहकर लिन वहां से चला जाता है, और वो लेडी यहाँ पर गुस्सा हो रही होती है बस। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर मिजे के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिजे को जो कि अंदर आते हुए कह रही होती है कि ग्रैंडपा, मॉम, डैड, मैं आखिरकार आ गई। जिस पर हमें दिखाता है सभी लोगों को जो कि तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं लिन को जो कि यहाँ पर उन्हें गिफ्ट दे रहा होता है, तो वो यहाँ पर मिजे के फादर कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर फैमिली है, तुम्हें इस तरीके से गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद मिजे के फादर यहाँ पर लिन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी को ले जाने के बाद यहाँ पर कभी एक बार भी नहीं आए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। और हम देखते हैं किस बात को
सुनकर लिन यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, दरअसल मैं यहाँ पर कुछ कामों में बिजी हो गया था। और हम देखते हैं मिर्जे की मदर को जो कि यहाँ पर कहती है कि तुम लोग जाकर जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मिर्जे के फादर लिन को लेकर एक सोफे पर बैठा देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा यहाँ पर फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है और तुम्हें यहाँ पर हमें बिल्कुल ही अपनी फैमिली के तरीके समझना चाहिए। जिस पर मिर्जे भी कहती है कि हाँ तुम्हें यहाँ पर अपने सेल्फ के हिसाब से यहाँ पर पूरी तरीके से कंफर्टेबल होकर रहना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं लिन को जो कि यहाँ पर मिर्जे की मदर से कहता है कि आंटी ये देखिए अपनी बेटी को जो कि यहाँ पर मुझे धमका रही है क्योंकि ये उसका अपना घर है। जिस पर हम देखते हैं मिर्जे को जो कि लिन के गालों को खींचते हुए कहती है कि ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर मेरी मदर तुम्हें बचा लेंगी। और हम देखते हैं मिर्जे की मदर को जिन्होंने कि यहाँ पर डिनर लगा दिया होता है और वो कहती है सभी से कि तुम लोग आकर डिनर करो बातें करने की बजाय। इसी के साथ हमें यहाँ पर टेबल पर काफी सारे बेहतरीन फूड को दिखाया जाता है। तभी मिर्जे के फादर कहते हैं लिन से कि वैसे मैंने अभी हाल ही में मिर्जे से सुना है कि तुमने यहाँ पर कोई एंकर वाला काम शुरू किया है। जिस पर लिन कहता है कि मेरे पास यहाँ पर खाली टाइम में कुछ टाइम पास के लिए था नहीं ना, तो मैं बस यही कर रहा था। और वैसे अंकल मुझे पता है कि आप भी यहाँ पर एकदम लाइव ब्रॉडकास्ट देखते हैं, तो मैं क्या यहाँ पर आपकी मदद करूँ कुछ सोना या फिर कुछ और चार्ज करने में। जिस पर मिर्जे के फादर कहते हैं कि नहीं मैं बस यहाँ पर कभी कभार देख लिया करता हूँ। लेकिन तभी मिर्जे की मदर कहती है कि तुम्हें एक और यहाँ पर फिश का टुकड़ा लेना चाहिए और आखिरकार तुम यहाँ पर मैरिज कब कर रहे हो। जिस बात को सुनकर मिर्जे कहती है कि हम लोग यहाँ पर अभी भी करियर के बीच में है, तो शादी करना और बच्चे पैदा करना क्या ये यहाँ पर कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा। जिस चीज को सुनकर मिर्जे की मदर कहती है कि तुम्हारे बीच की रिलेशनशिप यहाँ पर इतनी ज्यादा नेचुरल है कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। लेकिन तभी मिर्जे यहाँ पर स्टैंड होते हुए कहती है अपनी मदर से कि वैसे मदर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए अभी। जिस बात को सुनकर लिन यहाँ पर अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि अरे नहीं मैंने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया, मुझे रेस्ट की जरूरत है। जिस चीज को सुनकर मिर्जे अजीब तरीके से लिन की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर कहती है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर पानी से नशा कैसे हो सकता है इडियट। जिस पर लिन कहता है कि वो तो दरअसल सोडा के अंदर अल्कोहल थे क्योंकि वो सोडा था ही नहीं, इसी वजह से मुझे लगा कि नशा उतर जाएगा लेकिन ये और ज्यादा चढ़ गया। जिस पर मिर्जे की मदर कहती है कि तो ठीक है यहाँ पर तुम लोग आज के लिए रुक जाओ और वैसे भी तुम उसे अपने कमरे के अंदर क्यों नहीं लेकर जाती। जिस पर लिन यहाँ पर मिर्जे की मदर को थम्सअप करते हुए कहता है कि ये कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है लेकिन मैं यहाँ पर पहली बार आपके घर पर रुकने के लिए ये सब कर रहा हूँ। जिस पर मिर्जे की मदर भी कहती है कि कोई बात नहीं तुम अपना पूरा बेस्ट देना और ये बेस्ट किस चीज के लिए तुम आगे समझ जाओगे और मुझे तो लगता है कि मेरी आधी ऑडियंस यहाँ पर पहले इसके बारे में समझ गई होगी। और उसके बाद हमारा सीन यहाँ पर मिर्जे के बेड की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर मिर्जे के कमरे में हमें एक ट्रॉफी और यहाँ पर उनकी एक सुंदर सी तस्वीर को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं मिर्जे को जो कि लिन को हक करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया था और मेरी मदर यहाँ पर तुम्हें मेरे कमरे के अंदर भेज दे जहाँ पर हम दोनों एक साथ एक रात रहे। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि क्या कल वाली रात हम क्या दूर दूर थे और वैसे भी ये क्या बात है तुम तो यहाँ पर मुझे अपने कमरे में आने भी नहीं देना चाहती थी, क्या यहाँ पर मेरे और तुम्हारे कमरे में इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। जिस बात को सुनकर मिर्जे कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें अलाउ करती हूँ, तुम जब चाहो आ सकते हो। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उनका प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर का एंड यहीं पर होता है। और वैसे गाइस ये तो बहुत ज्यादा ही गलत बात है क्योंकि एक पर्सन 7-8 कमेंट कर रहा है उसके बाद तुम लोग ले जाकर यहाँ पर 200 कमेंट कंप्लीट कर पा रहे हो। लेकिन वैसे भी मुझे यहाँ पर अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर ऐसा कर रहे थे और इसके अलावा मैंने यहाँ पर सोचा था कि मैं कल यहाँ पर 30 मिनट की वीडियो डाल दूंगा, बट मुझे यहाँ पर आपके कमेंट देख कर लगा कि मुझे यहाँ पर आज 60 मिनट की वीडियो डालनी चाहिए।